सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज का हम सेशन शुरू करने से पहले दो तीन बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें, इफ वी टॉक अबाउट द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें कि किसी भी सरकार के मेन एजेंडे में क्या तीन चीजें आती होंगी, उसके बारे में हम देखते हैं कि लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत फाउंडेशनल और बेसिक लेक्चर की तरह काम करने वाला है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। उसके बारे में मैं आपको अगले 10-15 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं कि लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता क्या है। जब हम LCD की बात करते हैं, मतलब लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं ऐसी बेसिक और फंडामेंटल चीजों की जो हर गवर्नमेंट का एम रहता है कि वो अपने सिटीजन्स को डिलीवर कर पाए, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो कोई भी आप मुझे तीन चीजें बता दीजिए। हाँ बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट क्या इंश्योर करना चाहेगी अपने सिटीजन्स को LCD के अंदर? हेल्थ एंड मेडिसिन। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दरअसल एक ही चीज हो गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं तो हम हेल्थ की ऑटोमेटिकली बात करते हैं, और जब हम हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों की बात करते हैं तब हम HDI डेवलपमेंट की अपने आप बात करते हैं, और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा की भी बात करते हैं। तो हेल्थ पहली चीज हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि किसी भी गवर्नमेंट का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है कि अपनी जनता तक कम से कम इन तीन चीजों को तो डिलीवर कर पाए, और खासकर इंडियन डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में देखें तो वो तीन सबसे बड़ी चीज क्या होंगी। सबसे पहली चीज होती है एजुकेशन। सबसे प्राइमरी चीज क्या होती है? एजुकेशन मतलब शिक्षा। सेकेंड चीज क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड चीज क्या होती है? रोजगार। और अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो वो होती है क्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी भी व्यक्ति का या किसी भी नागरिक का अपने देश के अंदर वो अच्छा जीवन यापन कर सके। ये LCDs में आते हैं। क्या क्या तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली है? सबसे पहली चीज क्या होगी जो गवर्नमेंट चाहेगी अपनी जनता को डिलीवर करने की? एजुकेशन। सेकेंड चीज क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड क्या होती है? क्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ। आज का जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं उसमें हम काफी अलग चीजों को देखेंगे। बेसिकली ये फाउंडेशनल लेक्चर की तरह काम करेगा इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो अगले 1.5-2 घंटे में हम पूरे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग अप्रोचेस को होते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। अलग अलग अप्रोचेस से मेरा मतलब है, शुरू के 10-15 मिनट में आपको केवल बता देता हूं कि हमारा जो अगला 1.5-2 घंटे का लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अलग अलग थ्योरीज हैं इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली थ्योरी है इंपीरियल थ्योरी, मतलब साम्राज्यवादी थ्योरी। साम्राज्यवादी थ्योरी क्या कहती है, हमको उसको पढ़ना है। साम्राज्यवादी थ्योरी दरअसल उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो साम्राज्यवादी थ्योरी मतलब इंपीरियल दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण होगा किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का जो दृष्टिकोण है वो भारत के हित में रहेगा या भारत के हित में नहीं रहेगा? तो ये पहले से ही सेट है, भारत के हित में नहीं रहेगा। इंपीरियल दृष्टिकोण दरअसल ये कहता है कि भारत में तीन चार चीजें इंपीरियल दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण बोलता है। सबसे पहली चीज ये बोलता है कि भारत में ब्रिटेन ने कभी शासन करना चाहा ही नहीं, बल्कि उनको तो जबरदस्ती शासन करना पड़ा, और एक बार भारत पे उन्होंने शासन कर लिया तो फिर भारत की भयंकर सेवा की उन्होंने। क्या बोलता है इंपीरियल दृष्टिकोण? कि भारत पर कभी भी अंग्रेज शासन करना नहीं चाहते थे उनको, बल्कि आकस्मिक रूप से शासन करना पड़ा, और एक बार जब उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया तो भारत की अपरिमित सेवाएं की, बहुत सेवाएं की, यह बोलता है। तो देखेंगे कि आखिरकार साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण है, इंपीरियल दृष्टिकोण है, उसने पहली चीज क्या कही? भारत की सेवा की ब्रिटेन ने।
शासन नहीं किया। दूसरी चीज कही कि भारत में कभी भारत को ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद अपनी कॉलोनी बनाना ही नहीं चाहा। सेकंड चीज ये कही। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि भारत में कभी भी राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना आ ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी? क्योंकि भारत एक प्लूरलिस्ट कंट्री है, बहुलवादी देश है। बहुलवादी देश का मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं। एक आलू को बनाने में भारत में 300 अलग अलग तरीके हैं, एक आलू को बॉयल करने की 300 अलग अलग तरीके हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्यूजींस, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन। तो ऐसे देश में कभी राष्ट्रीयवाद की भावना आ ही कैसे सकती है, जो कि आज एक प्लूरलिस्ट कंट्री है, बहुलवादी देश है। तो भारत में कभी तो राष्ट्रवाद की भावना आ ही नहीं। तीन चीजें बेसिकली जो इंपीरियल दृष्टिकोण है, जिसके अंदर ओल्ड कैम्ब्रिज और न्यू कैम्ब्रिज इसको लाते हैं, वो क्या कहते हैं? भारत में ब्रिटेन को, भारत को कभी ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया नहीं और भारत की सेवा की। तीसरी चीज क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद आ ही नहीं सकता था। आज हमारा लेक्चर बेसिकली ब्रिटेन की इन तीनों बातों का खंडन करेगा। समझ में आया? आज हमको क्या करना है? ब्रिटेन की या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की ओल्ड कैम्ब्रिज और न्यू कैम्ब्रिज जो स्कूल है, उनकी इन तीनों बातों का खंडन करना है। और एक और चीज ये बोलते हैं कि भारत से कभी तो धन निष्कासन हुआ ही नहीं था। भारत से कभी धन निष्कासन हुआ ही नहीं था, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई नहीं थी। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा हम देखेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ को दरअसल इंग्लैंड ने बोला होम चार्जेस। क्या बोला? होम चार्जेस, ग्रे वे। क्या बोला इसको? ग्रे वे। और इसमें यह बोला गया इंग्लैंड के द्वारा कि ग्रे वे या होम चार्जेस के अंतर्गत भारत में मॉडर्न डेवलपमेंट, आधुनिक डेवलपमेंट इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, जैसे कि रेलवे, जैसे कि संचार के लिए टेलीग्राफ व्यवस्था वगैरह। तो मॉडर्न चीजें अंग्रेज भारत में लाए, तो आप कैसे कह सकते हो ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया? जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा, अगले 15 मिनट में हम देखेंगे कि आखिरकार कॉलोनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ओके? तब हमको समझ में आएगा। तो ब्रिटेन ये बोलता है कि होम चार्जेस, धन का निष्कासन तो हुआ ही नहीं, बल्कि 1858 के बाद ब्रिटेन ने भारत में बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट करना चाहे, उनको होम चार्जेस बोला गया। होम चार्जेस कौन देता था? इंडिया देता था। अब देखेंगे कि ये वास्तविकता में सही है कि नहीं है। तो बेसिकली ब्रिटेन की या इंपीरियल जितने भी थॉट्स हैं, उनका आज हमको खंडन करना है। जिस प्रकार से की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे, मतलब मुख्य जो प्रशासनिक पद थे, जिस प्रकार से इंग्लैंड ने भारतीयों का उस पर खंडन कर रखा था, मतलब कोई भी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इंडिया को नहीं दी जाती थी। हालांकि हम अपने लेक्चर में डेवलप होते होते ये देखेंगे और ये पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, क्योंकि ब्रिटेन की विचारधारा चेंज हुई। क्लियर है? अब ब्रिटेन की विचारधारा चेंज कैसे हुई देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया 1806 के आसपास से, 1806 के आसपास से लंदन में हेलबरी कॉलेज में इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। समझ में आया? 1806 में लंदन के हेलबरी कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती थी ब्रिटेन के लोगों को। और सुनो, 1854 तक ऐसा, 1854 तक बिल्कुल भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्विस ऑफिसर बन रहा है उसको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत हो या कंपटीशन एग्जाम से पास होके वो एक ऑफिसर बन रहा हो। समझ में आया? इट वॉज ओनली इन द ईयर ऑफ 1854। ये केवल 1854 के बाद, 1854 के बाद ही हुआ था कि कंपटीशन एग्जाम्स के थ्रू सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजन की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहा है, मतलब सर 1806 से लेके 1854 तक कंपटीशन के बेसिस पे सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयड नहीं होते थे। अपनी मर्जी से, विल पावर से जो कंपनी रहती थी वो उनको एम्प्लॉय करती थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सिविल सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस तो हो गया और अभी तक उसके एग्जाम्स इंडिया में नहीं हो रहे। ये तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुआ था, जब सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, ओके?
तो हम ये सारी चीजों का अध्ययन भी करेंगे कि सिविल सर्विसेज का फ्यूचर भी देखेंगे। तो ये जो लेक्चर है वो दरअसल अपने आप में पूरा एक कोर्स होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो अगले 20-30 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे। जैसे कि कल हम एक लेक्चर लेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए और उनके बीच में क्या क्या स्ट्रगल हुआ। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हालांकि मेंस में इतना नहीं आता है। ओके, तो अगले जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं, भले वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो, भले वो 1857 का रिवोल्ट हो, भले वो नेशनलिस्ट हो, भले वो गांधीजी अली करियर हो, या भले वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हो, भले वो वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर इवेंट्स हो, अगले जितने भी लेक्चर हम लेने वाले हैं उनका आज का पूरा फाउंडेशनल लेक्चर ये होगा, जो कि फाउंडेशनल लेक्चर की तरह सर्व करेगा। और इस लेक्चर से हमारी एक मजबूत विचारधारा बन पाएगी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा करेक्ट अप्रोच होता है, ताकि आप जब भी जाके अगर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, तो आप उस एंगल से देख पाओ जो कि राइट एंगल है। अलग अलग वेराइटी ऑफ टॉपिक्स को हमको कवर करना है और पूरा कोर्स है अपने आप में ये लेक्चर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, तो कुल मिला के 35 पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना नहीं है। चोलास के बारे में हम देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, जैसा कि अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमी अंडर ब्रिटिशर्स, भारत का इंग्लैंड के समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे वो देखेंगे। आज हमारा मेन फोकस इकोनॉमी पे ही रहेगा और जितने भी अन्य 34 पॉइंट हैं वो केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे, ताकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया, मतलब भारत में उपनिवेशिक शासन का जो इंपैक्ट था आर्थिक और सामाजिक, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो बाकी 34 पॉइंट इसके आसपास रोल होंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, जब से यूपीएससी में एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुए, मेंस एग्जाम होते हैं, तब से एक बार भी ऐसा, एक भी साल में ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें इकोनॉमिकल या कॉलोनियल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये क्वेश्चन ना आया हो। अगर पिछले 30 साल से चल रहा है तो पिछले 30 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि यह क्वेश्चन नहीं आया हो। मैं आपको 4-5 अलग अलग क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं जो कि सेवरल बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लगभग हर 3-4 साल में रिपीट होता है वो ये क्वेश्चन है, द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द पीपल मेंट एसेंशियली द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द विलेज, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो प्रभाव व्यक्तियों पे पड़ता था वो दरअसल व्यक्तियों पे ना पड़ते हुए विलेजेस पे पड़ता था। ये हर 3-4 साल में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चंस क्या है, द पॉवर्टी ऑफ द इंडियन पीपल वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू एंड द टैक्सेशन पॉलिसी, ब्रिटिश की भारत में जो कराधान नीति थी उसी के कारण भारतीयों का शोषण हुआ, इस पर आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट एंड डिस्कस इट्स डिफेक्ट्स, स्थायी बंदोबस्त क्या था और इसकी मेन चीजें कमियां क्या थी यह देखना है हमको। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के हमारे लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा कि आज भी हम किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और जब हम इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत बनाने की बात करते हैं इंडिया में तब हमको यह ध्यान रखना चाहिए एक मजबूत इंडस्ट्री सेक्टर के लिए नींव एक मजबूत कृषि क्षेत्र ही रख सकता है। मतलब जब तक हमारी कृषि में उत्पादकता, जब तक हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, वी विल ऑलवेज स्ट्रगल टू मेक अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर सफिशिएंट। ओके, तो हम हमेशा स्ट्रगल करेंगे। तो हाउ ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करा, कृषि का व्यवसायीकरण करा, ये देखना है हमको, ठीक है। एंड इट्स इंपैक्ट एंड रिजल्ट ऑन रूरल इकोनॉमी, और इसका ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ा ये देखेंगे। और भी हमको कई सारी चीजें देखनी है,
तो मेन फोकस हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी व्यवस्था, इस पे रहेगा। बाकी सारे पॉइंट्स इसके सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे, तब भी मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज इन इंडिया, हाउ द ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयड देयर पॉलिसीज इन इंडिया टू टेक परमानेंट कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिशर्स ने भारत में किस तरीके की नीतियों का अपनाया जिससे वो भारत को पूरे अपने कब्जे नियंत्रण में कर ले। हम चार पांच पॉइंट्स भी लिखेंगे कि किस तरीके से क्या मेथड्स अपनाए ब्रिटेन ने भारत को कंट्रोल करने के लिए। दो तीन मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका इंग्लैंड का बहुत सिंपल था, लैंड रेवेन्यूज को अपने कंट्रोल में करना, भू राजस्व व्यवस्था को अपने कंट्रोल में करना। सेकेंड क्या था, टेरिटरीज को जीतना। जैसे कैसे जीतना, सब्सिडरी अलायंस से जीतना, लॉर्ड वेलेजली ने इंट्रोड्यूस किया, और इंडिया के जो स्टेट्स थे उनके इंटरनल मैटर्स पे डायरेक्ट हस्तक्षेप यहां से होने लगा। तो ये सारी चीजें हमको देखना है। ओके, मेथड्स एम्प्लॉयड बाय ब्रिटिशर्स टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया, ये हमको देखना है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, उसके पहले हम देखेंगे व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ वी वुड हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1857। अगर हमको 1857 में आजादी मिल जाती तो आज क्या स्थिति होती। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, अराइवल ऑफ गांधी जी एंड हिज इनिशियल कैंपेन्स। गांधी जी जब आए थे तो ही वॉज ए सेलिब्रिटी रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड जैसे ही वो आए उन्होंने अपने तीन बड़े इनिशियल कैंपेन्स में जीत हासिल कर ली, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ इंडिया वॉज लिटरली लूटेड बाय ब्रिटेन, ये देखना है। सोशलिज्म अराइवल टू द वर्ल्ड, अभी के कंटेक्स्ट में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। आज हमको सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया था डिस्कशन का रहेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी चोला एम्पायर, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही भारत में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चेंज हुई थी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर केवल किसकी वजह से हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन की वजह से। सेकंड चीज, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का मतलब इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। क्यों, हमारे डिस्कशन में एक और पॉइंट यह है, हाउ इंडिया फ्रॉम 23% कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेस देन 3% कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब इंडिया का, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब जीडीपी का 23% हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में था। मतलब अगर टोटल 100% जीडीपी है वर्ल्ड की तो 23% कॉन्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंडिया। हमारी इतनी रिच इकोनॉमी थी, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ओनली 3%। तो यह हुआ कैसे 23% से 3%, इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक मेन भूमिका निभाई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म में तो विचारधारा या कैपिटलिज्म में तो अपनी उपयोगिता दी ही सही, सबसे मेन थ्योरीज सोशलिज्म कम्युनिज्म उसके लिए फाउंडेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे रखा, कैसे लुडाइट आंदोलन आया, उसके बारे में भी हमको देखना है कि लुडाइट आंदोलन में लुडाइट जो व्यक्ति थे उन्होंने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ही सारी परेशानियों की जड़ मानते हुए फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और यहीं से कैसे समाजवाद की नींव डली, यह देखना है। इंडिया पार्टीशन देखेंगे, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब समाज और धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखेंगे, अमेरिकाज इंडिपेंडेंस ये देखना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म देखना है। कैपिटलिज्म के तीन मुख्य प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हमको पूरी की पूरी ब्रिटेन की क्या थ्योरी थी इंडिया में वो समझ में आएगी। तीन बेसिक तरह के कैपिटलिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, वणिकवाद पूंजीवाद क्या होता है। सेकंड देखेंगे हम व्हाट इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद क्या होता है। थर्ड देखेंगे हम व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, मतलब वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है, और ये किन किन चरणों में भारत में चले ये देखेंगे हम। अगला हम देखेंगे इंडिया टुडेज कंसर्न
आज के भारत के कंसर्न्स क्या हैं, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर की स्टार्टिंग में, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, कि कम से कम गवर्नमेंट ये तो अपने लोगों को सुनिश्चित करे। तो आर वी रेडी? बड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है आज का, अभी दोपहर से रात होने वाली है। तैयार हैं आप सभी लोग? थकोगे तो नहीं? चलो गुड, अब तो फंस चुके आप लोग। ओके, सो दिस लेक्चर एज आई टोल्ड अर्लियर विल सर्व एज ए फंडामेंटल लेक्चर फॉर द कमिंग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज। ये अपने आप में पूरा कोर्स होगा और पूरी विचारधारा बनाने के लिए काम आएगा। यूपीएससी में आपको कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अप्रोच रखना चाहिए वो भी हम यहां से समझ पाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम 10 से 15 मिनट बिताएंगे यूरोप में क्या चल रहा था, पहली चीज ये, कुछ अंडरलाइन कंसेप्ट्स को समझेंगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले, इतना सारा कुछ कवर करने से पहले, क्योंकि पूरी विचारधारा हमारी तब ही बन पाएगी। तो अंडरलाइन कंसेप्ट्स को हम कवर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को भूल जाएं, अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात करें कि मानव का धरती पर विकास क्रम कैसा रहा, तो हम बात करते हैं अभी एक क्वेश्चन के द्वारा, व्हाट आर द थ्री मेजर चेंजेस दैट एवर हैपन्ड इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब अगर हम पूरे मानव के इतिहास में सबसे बड़े तीन परिवर्तन की बात करें, तो वो सबसे बड़े तीन परिवर्तन होंगे क्या? एक एक करके लिखते हैं और समझते हैं। तो मानव के इतिहास में सबसे बड़े तीन, अभी देखिए हम परिवर्तन देखना चाहे तो बहुत सारे देख सकते हैं, कैपिटलिज्म का आना, सोशलिज्म का आना, डेमोक्रेसी का आना, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग चीजें होंगी। लेकिन हमको सबसे बड़े तीन चेंजेस देखने, तो इस क्रम में सबसे पहली चीज आती है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप सभी इससे सहमत हैं? सबसे बड़ा परिवर्तन जो मानव के इतिहास में आया था वो ये था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, दूसरा बड़ा चेंज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लगभग 4,000 से 5,000 साल बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज से 400-500 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और आज के युग में जो सबसे बड़ा चेंज अब आया है वो है ग्लोबल ट्रेड। क्या है? ग्लोबल ट्रेड। तो अपने लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले हम अंडरलाइन कंसेप्ट को समझते हैं, ताकि हम अपने लेक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाए और सारी चीजों को देख पाए। दीज थ्री चेंजेस आर द बिगेस्ट चेंजेस दैट हैपन्ड इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री एपिसोड। भारत मानव के इतिहास में सबसे बड़े तीन चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। क्योंकि इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से हुआ क्या? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से यह हुआ, अब मानव को दूसरे दिन क्या खाना है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि अगले दिन हम जो आप खाना चाहते हैं उसकी चिंता से मुक्त हो पाए, तब तो हम कुछ काम कर पाएंगे। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ने वो किया। क्लियर है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि हमारा पहला पॉइंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड, ग्लोबल ट्रेड। आज की जितनी भी किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसीज रहती हैं, एक क्वेश्चन में यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इसको डिस्कस करने से पहले, ग्लोबल ट्रेड को डिस्कस करने से पहले। हम अपने लेक्चर में अलग अलग चीज आज देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज हिस्ट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, हाउ ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल ओवर इंडिया, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर्स और एम्प्लॉयड इन इंडिया टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया, हाउ ब्रिटिशर्स लॉस्ट अमेरिका एंड सडनली दे शिफ्टेड देयर होल फोकस ऑन इंडिया, ये सारी चीजें देखेंगे। कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में क्या हुआ, तो दो सबसे बड़े इंपैक्ट को देखते हैं। पहला तो हुआ, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका बुरी तरीके से पतन हुआ। वी वर ए इंपोर्टर,
वी वर ए एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर थे, निर्यातक थे. सबसे बड़ा घाटा ये हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स. दूसरा, फ्रॉम 1947 टू 1991, क्योंकि लगभग ग्लोबल ट्रेड 1914 से ही इंपॉर्टेंट हो गई थी, द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया वाज वी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड इन द पीरियड ऑफ 1947 टू 1991. हमने पूरी तरीके से डाइवोर्स ले लिया था ग्लोबल ट्रेड से 1947 से 1991 तक. और कोई भी फॉरेनर अगर अपने साथ ब्रीफकेस लेके आता था तो हमको दूर से ही शक होने लगता था कि ये तो अब दोबारा गुलाम बनाएगा. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारतीयों के मन में एक विचारधारा आ चुकी थी, या ईस्टर्न नेशंस के मन में. वेस्टर्न नेशन के हिसाब से कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम. क्या होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. सबसे मेन विचारधारा में जो अंतर है वो ये है वेस्ट की और ईस्ट की, कि वेस्ट के हिसाब से कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, और ईस्ट के हिसाब से कैपिटलिज्म का मतलब होता है स्लेवरी. इंडिया के हिसाब से कैपिटलिज्म का मतलब क्या होने लगा? स्लेवरी होने लगी. तो अगर ये मतलब कैपिटलिज्म का हो रहा है, एवरी फॉरेनर कमिंग विद अ बैग, हम उसको सस्पिशियस निगाहों से देखते थे. यही कारण है कि हमने 1947 से 1991 तक ग्लोबल ट्रेड. देखिए, हाँ, सिटीजन्स के टर्म्स में मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट के प्रस्पेक्टिव से ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ये आइडियोलॉजी भी वेस्ट में इसलिए फिक्स नहीं होती क्योंकि 2009-10 में वी आर द 99% जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो शायद इस बात को कहीं ना कहीं डिनाई करता. ओके, तो इंडिया कैपिटलिज्म स्लेवरी, कोई भी व्यक्ति अगर बैग लेके आ रहा है तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था. जब हम 1947 से लेकर 1991 तक हम ग्लोबल ट्रेड से वंचित रहे, और जो हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ 1991 के बाद, वो दरअसल क्राइसिस ड्रिवन थी. क्राइसिस की वजह से वो हुआ था, और बहुत सारी चीजें हुई थी, वो हम लेक्चर में देखेंगे. कमिंग बैक की तीन सबसे बड़े चेंजेस क्या थे, अभी हम अंडरलाइन कंसेप्ट को समझ रहे हैं ताकि हम किसको समझ पाए, अपने लेक्चर को समझ पाए. तीन बड़े चेंजेस, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ग्लोबल ट्रेड. बहुत बढ़िया, ये पहला पॉइंट क्लियर है, वेरी गुड. इसको लेक्चर में हम आगे जाके यूज करेंगे. अब मॉडर्न इंडिया में जाने से पहले जरा इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में उस समय जब सेकेंड बड़ा चेंज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब क्या चल रहा था. क्योंकि जब हमको यह समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यूरोप में क्या हुआ, तभी हमको यह समझ में आएगा कि उसका इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा. ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इसको देख लें. क्या होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके हिसाब से, इन द मॉडर्न सेंस, व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? औद्योगिक क्रांति से हमारा क्या मतलब है? बिल्कुल, शिफ्टिंग टू द मशीन रेदर देन हैंडमेड प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सही है, मॉडर्न मशीन्स के युग को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, मॉडर्न ह्यूमन एरा को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है. ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. अगर हम डिस्कस करें, सबसे बड़े चार कारण ऐसे बताइए सर जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, तो वो क्या है, एक एक करके उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि बिना इसको समझे ये लगभग इम्पॉसिबल है कि 1.5 घंटे में हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को समझ लें. बिना इसकी समझ में आने ही नहीं है. जैसे जैसे लेक्चर डेवलप होगा आप रियलाइज करेंगे. ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे मेन कारण, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज.
1498 में जब वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा, वास्को डिगामा ने जब 1498 में इंडिया की खोज की, ये विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहा हूं, विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा था व्हेन वेस्ट केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द ईस्ट। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ने क्या किया, इंडिया की डिस्कवरी जो 1498 में वास्को डी गामा ने करी, वेस्टर्न नेशन पहली बार ईस्टर्न नेशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ट्रेड बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो सबसे ज्यादा मेन चीज किसने सपोर्ट किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। सेकेंड चीज, कैपिटलिज्म की विचारधारा कौन का आना, पूंजीवाद की विचारधारा का आना। तीसरी चीज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एज दे से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अलग अलग नए प्रकार के इन्वेंशन हुए, ओके, संचार के माध्यम में, कम्युनिकेशन में भी हम देखते हैं, और स्पिनिंग व्हील और स्टीम इंजन, इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। फोर्थ, कॉलोनाइजेशन। फोर्थ क्या है, उपनिवेशवाद। अब लेक्चर के आगे बढ़ने से पहले हम उपनिवेशवाद की डेफिनेशन देख लेते हैं, प्लीज उसको लिखिए। व्हेनेवर अ कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय अदर कंट्री, व्हेनेवर अ कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय सम अदर कंट्री, जब भी किसी देश को किसी दूसरे देश द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, व्हेनेवर अ कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय अदर कंट्री, जब किसी एक देश को दूसरे देश द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, दैट द ऑक्यूपाइड कंट्री एक्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री, की शासित करे जाने वाला देश शासित किए जाने वाला देश मुख्य देश के हितों की पूर्ति, तो उसे क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। व्हेनेवर अ कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय अदर कंट्री एंड द ऑक्यूपाइड कंट्री एक्ट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉलोनी। समझ में आया? अब ये डेफिनेशन पूरे लेक्चर में हमारे बहुत काम आएगी, आगे चल के मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है, वो देखेंगे। तो एक और बार आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, इसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ब्रिटेन में क्या चल रहा था वो जरूरी है डिस्कस करना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चार चीजों के कारण, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, कैपिटलिज्म, इन्वेंशन एंड कॉलोनाइजेशन, इन चीजों के कारण प्रमोट हुआ। ओके, अगला पॉइंट, अंडर एनक्लोजर मूवमेंट, अंडर एनक्लोजर मूवमेंट, बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड स्नैचिंग लैंड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इंक्लोजर कानून के अंतर्गत, इंक्लोजर मूवमेंट के अंतर्गत, ब्रिटेन के बड़े जमींदारों ने छोटे किसान जिनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े होते थे उनसे जमीन को छीन के अपने कब्जे में किया। अंडर इंक्लोजर मूवमेंट बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड स्नैचिंग लैंड ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड पीजेंट्स विच क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आया एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ओके, वेरी गुड। अब इंक्लोजर मूवमेंट जैसे ही ब्रिटेन में आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम उसको अलग से कवर करेंगे, इंक्लोजर मूवमेंट जैसे ही ब्रिटेन में आए,
बड़े बड़े जमींदारों ने किसान की छोटी छोटी भूमि को छीना, अपना एक बड़ा जमीन का टुकड़ा बना लिया और उस पर कब्जा कर लिया। क्या लिखा है हमने, एक वर्ड स्नैचिंग, छीना, उसको कर लो अंडरलाइन, स्नैचिंग। और लोग बाग क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, इसको भी अंडरलाइन कर लो। स्नैचिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लोजर लॉ ने क्या किया, स्नैचिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन की जो समाज थी उस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो एक लीडर पैदा हुआ जिनका क्या नाम था, लुडाइट। लुडाइट ने आते क्या कहा कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ये सारी चीजें हो रही है, सारी मेन जड़ यही है, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को तबाह करना शुरू कर दिया और यहीं से सोशलिज्म के नींव और सीड्स डले, जिनको बाद में अपने एक्सट्रीम लेवल तक लेनिन और कार्ल मार्क्स ने पहुंचाया। क्लियर है, समाजवाद के पहले जो बीज है वो कहां से डले थे, लुडाइट आंदोलन के द्वारा, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के विरोध में हुआ था। क्या कहते थे वो कि सारी जड़ का कारण क्या है, इंडस्ट्री से। अच्छा, लोग बाग इंडस्ट्री से अनएम्प्लॉयड हुए तो वो कहां पे एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया, एग्रीकल्चर से अनएम्प्लॉयड हुए तो इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ये चीजें समझ में आई कि नहीं। अब हम अंडरलाइन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हम क्या क्या समझ चुके हैं अभी तक, जो हमारे पूरे लेक्चर में मदद करेगा। पहला चीज हमने क्या समझा, द थ्री बिगेस्ट चेंजेस ह्यूमन हिस्ट्री में जो हुए। फिर हमने क्या समझा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, अब एक आखिरी अंडरलाइन कंसेप्ट को हमको देखना है, उसके बाद हम तुरंत जंप लगा लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो है चोला। तो चोला पीरियड को समझते हैं और पीछे चलते हैं, मौर्य पीरियड के बारे में आते हैं। मौर्य पीरियड के समय भारत में शानदार अर्थव्यवस्था थी, शानदार इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा था, श्रेणी समिति निगम्स होते थे, अर्थव्यवस्था अच्छे अपने पीक पॉइंट पे थी। ये कब की बात हो गई, एंशंट हिस्ट्री की। अब आते मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। क्लियर है, उसमें हम देखते हैं कि चोलास के समय में 9th, 10th, 11th, 12th सेंचुरी में, उसके पहले कौन थे, पांड्यास थे। पांड्यास ने तो अपना एम्पायर या अपना बिजनेस इतना बड़ा लिया था, जो साउथ इंडिया के कुछ किंगडम्स थे जैसे कि चोलास और पांड्यास, पल्लवास, चेरास, तो उन्होंने अपना एम्पायर इतना तक बढ़ा लिया था कि एंशंट समय में रोम एम्पायर के साथ वो ट्रेड करते थे। कौन, पांड्यास। और ये तक कहा गया है रोम के साथ काय की ट्रेड करते थे, पल्स और स्पीसीज की। इंडिया के मसाले हमेशा से ही फेमस रहे और केरला को जैसा कि द गार्डन ऑफ स्पीसीज मसालों का उद्यान, मतलब साउथ इंडिया। ओके, तो ट्रेड किससे करते थे, ये सदर्न पार्ट के रोम एम्पायर से, और रिच रोम एम्पायर, इमेजिन करो आप एंशंट हिस्ट्री में रोम एम्पायर। तो इंडिया ट्रेड करता था रोम से, बदले में इंडिया को मिलते थे बुलियन, बुलियन मतलब गोल्ड सिल्वर। ओके, धातु, गोल्ड सिल्वर जो कि मुख्य धातु थी, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि पहले जो मुद्रा का जो वास्तविक रूप है, जिस तरीके से आज करेंसी प्रचलित है वैसा नहीं था, था लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं था। तो रोम एम्पायर के साथ हमने ट्रेड की, हमने उनको गुड्स दिए, बदले में हमको क्या मिला, बुलियन। बुलियन इकट्ठा होता गया, हमारे पास अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई, मतलब वेल्थ का संग्रह हुआ, यह चीज हुई। वो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ इंडिया में एक बड़ा फिजिकल बैरियर है जिसने हमेशा लोग बागों को यहां से आने के लिए रोका, वो क्या है, विंध्याचल पर्वत वाला। एक बहुत बड़ा भौगोलिक कंडीशन है यहां पे विंध्याचल पर्वत वाला, जिसके कारण यहां पे ज्यादा आक्रमण नहीं हो पाते थे। तो यहां पे क्या होता था, वेल्थ अक्यूमुलेट होती गई 9th, 10th, 11th, 12th सेंचुरी में, इतनी वेल्थ अक्यूमुलेशन हो गई, इतनी रोम से वेल्थ इंडिया आती थी कि रोम के स्कॉलर्स ने ये बोला रोम के राजा से कि आप ट्रेड मत करो भारत से। क्यों मत करो,
क्योंकि रोम से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है भारत में, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो लिटरली ब्रिटेन ने हमारी की थी वो ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने रोम की थी, लेकिन पूरे तरीके से बिजनेस मॉडल के अंतर्गत एक्सप्लोइटेटिव रेजिम का इस्तेमाल ना करके, हमने कोई शोषण नहीं किया रोम का, ओके? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ रोम रिच एम्पायर जो था, वहां के स्कॉलर्स राजा से बोल रहे हैं कि वहां पे आप ट्रेड मत करो। क्यों मत करो? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन इंडियाज फेवर और वी आर लूजिंग वेल्थ, हम वेल्थ को लूज कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वेल्थ का अक्यूमुलेशन इंडिया में हुआ, ये बात समझ में आई सदन पार्ट में? बहुत बढ़िया। अब होता क्या था, मिडिवल इंडिया में जितने भी इंडिया में आक्रमण हुए वो नॉर्थ पार्ट में हुए, समझ में आया? कहां पे हुए? नॉर्थ पार्ट में। और चोलाज ने तो आसपास के क्षेत्रों से मैरीटाइम रिलेशंस भी डेवलप कर लिए थे और बहुत कल्चर स्प्रेड हुआ था हमारा, क्योंकि हम देखने को मिलते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडोनेशिया का एक जो म्यूजियम है उसका नाम पोशोपति है, पोशोपति मतलब पशुपति, पशुपति मतलब शिव, मतलब इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था आसपास के मैरीटाइम नेशंस पे, जो इंडोनेशिया वगैरह है, कंबोडिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से कंबोडिया में अधिकतर द्रविडियन आर्ट और कल्चर देखने को हमको मिलता है, तो बहुत रिच हिस्ट्री रही है। वेरी गुड। जितना भी आक्रमण हुआ नॉर्थ इंडिया में हुआ, कब? मिडिवल इंडिया में। हाँ, एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था 1293 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, जब उन्होंने पहली बार साउथ इंडिया में आक्रमण किया था। भारत में मिडिवल हिस्ट्री में, मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला आक्रमण मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1293 में। उन्होंने अपार मात्रा में धन संपदा लूटी, लेकिन वो भारत से बाहर नहीं गई थी। तो मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर हम चोलास के समय से ही देखें और मौर्यास के समय से ही देखें तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ तो भारत में था, तो भारत एक सोने की चिड़िया तो थी। यहां तक बात समझ में? चोलास चैप्टर हमारा खत्म हुआ। और 1606 से लेके 1757 तक, 1498 में किसने डिस्कवरी कर ली? वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी कर ली। 1606 से 1757 तक, ब्रिटिशर्स के आने से लेके प्लासी के युद्ध तक, जब तक प्लासी का युद्ध नहीं लड़ा गया था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कैसी ट्रेड चलती थी उसको देखते हैं। ब्रिटेन और इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन खरीदता था गुड्स, फिनिश गुड्स, तैयार वस्तुएं। क्या खरीदता था? तो सर रॉ मटेरियल्स बोल रहे हो आप, तो रॉ मटेरियल्स लेता था ब्रिटेन तो, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो रॉ मटेरियल से वहां पे माल बनता था और इंडिया में आता था वो माल और इंडिया में बेचा जाता था, इसलिए तो भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि गुड्स लेता था इंडिया से ब्रिटेन? ये 1757 तक होता था। क्लियर है? क्या लिया ब्रिटेन ने इंडिया से? गुड्स, फ्रॉम 1606 टू 1757। अब बदले में, अब ये क्या होता है वहां पे जाके उसको समझो, इंडिया से ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स जाते हैं, वहां पे जो ब्रिटेन के लोकल व्यापारी रहते हैं वो लोग बागों को बेचते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड नहीं थी, उस समय ब्रिटेन में ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड नहीं थी, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। यहां से ब्रिटेन के लोग आते थे, माल ले जाते थे, अपनी कंट्री में जीतते थे और कुछ मुनाफा कमाते थे। ये कब तक चलता रहा? 1750। बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? बुलियन। क्या मिल रहा है बदले में इंडिया को? बुलियन, गोल्ड और सिल्वर। वेरी गुड। तो मतलब इन 150 सालों में भी क्या हुआ? अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। क्या हुआ? अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और वो पहले भी हो चुकी है, वेल्थ जनरेट होती जा रही है। मुगल पीरियड के समय तक अगर हम देखें, इनफैक्ट एक चार्ट के द्वारा हम देख ही लेते हैं, सो दिस इज ए ब्यूटिफुल ग्राफ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा था। तो 1700
से देखना कहानी को शुरू करते हैं। ऑरेंज कलर किसका है? इंडिया। और ब्लू कलर किसका है? वेरी गुड। अब जरा पहली लाइन देखो, आप पहली वर्टिकल लाइन देखो, पहली वर्टिकल लाइन में क्या दिया हुआ है? उसके पहले क्या था? मुगल एम्पायर। ग्राफ का नाम है जीडीपी पर कैपिटा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। वाई एक्सिस पे दिया हुआ है पीसीआई, जीडीपी पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, और एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं साल। जल्दी से देख के बताओ, 1700 से लेके 1950 तक इंडिया के प्रति व्यक्ति आय में कुछ अंतर आया क्या? दिख रहा है ऑरेंज लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही है, कोई अंतर नहीं है। और इतना ही नहीं, पूरी की पूरी 20th सेंचुरी तक जब तक इंग्लैंड ने शासन किया 1900 से लेके 1947 तक, भारत की जीडीपी 1% से भी ज्यादा कम पे ग्रो हुई पूरी 1900 से लेके 1947 तक, फ्रॉम द 1900 टू द 1947। और जल्दी से देखो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750s के आसपास इंडिया को कंट्रोल करा और ब्रिटिश इंडिया बना इंडिया, यूके की प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ रही है या नहीं? तो ये यूके की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का कारण केवल क्या है? इंडिया ही है। कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट इंडिया में किस तरीके से रहा कि ऑरेंज लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है और जो ब्लू लाइन है वो एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच रही है अपने 1950s में, जो कि $7,000 हो गए। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आते ही नहीं तो $7,000 से भी ज्यादा हमारी पीसीआई होती। अंडरस्टूड और नॉट? तो हम किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे? चोलास के बारे में हम पढ़ चुके थे, रोमन एम्पायर के बारे में। तो हम चोलास के बारे में पढ़ चुके थे, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ चुके थे कि किस तरीके से स्कॉलर्स ने मना किया। मुगल पीरियड के टाइम पे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत शानदार थी, बहुत ही बेहतरीन थी, हम एक्सपोर्ट करते थे। 1606 से लेकर 1757 के बीच में हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को फिनिश्ड गुड्स, बदले में ब्रिटेन हमको बुलियन देता था, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होती थी। अच्छा, ये जो समय मतलब 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के हाफ तक, 1606 से लेकर 1757 तक, इस समय अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। कब से इंट्रोड्यूस हुआ? 1750s के आसपास। हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ब्रिटेन की चेंज होने लगी। अब ये एरो फिनिश्ड गुड्स का जो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, अब वो ब्रिटेन से इंडिया आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और बार बता देता हूं, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई, और ये कब चलता था इंडिया का? रोम से चलता था। ये सुन लो, बहुत बढ़िया। अब जरा डिस्कस करते हैं 1757 से लेके 1857 तक क्या हुआ। क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूं और पूरा एक चेन की तरह देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या देखा, 1606 से यहां पे ब्रिटेन है, यहां पे इंडिया है, और यहां से यहां पे गुड्स जा रहे हैं फिनिश्ड गुड्स। किस तरीके से ब्रिटेन के व्यापारी प्रॉफिट कमाते थे, रिटर्न में बुलियन आ रहा है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। आप देखेंगे 1757 से 1857। उसके पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साइड में चलने देते हैं। 1750 से इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उसने ये बताया दुनिया को कि जरूरी नहीं है अमीर आप केवल लूट से बन पाओ या बुलियन को इधर से उधर ट्रांसफर करके बन पाओ, नए तरीके भी हैं अमीर बनने के। प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बेचो, ऐसे भी आप अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर सकते हो। 1750s से पहले ऐसी विचारधारा नहीं थी।
तब क्या चलता था? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। अभी तक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं आया था, अभी केवल वणिकवाद पूंजीवाद चल रहा था। इसका मतलब क्या होता है? गोल्ड और सिल्वर को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। ब्रिटेन क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है या लूज कर रहा है? लूज कर रहा है। इंग्लैंड की रानी से वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव आना शुरू हुआ कि जब दूसरी कॉलोनीज फ्रांस और स्पेन इस समय अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, तुम इंडिया में जाके वेल्थ को लूज कर रहे हो? व्हाट द शिट आर यू डूइंग इन इंडिया? आप भारत में आखिरकार क्या कर रहे हो? तो जिस समय और अदर शक्तियां अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ब्रिटेन में कर, यूरोप में कर रहे हैं, उस समय आप वेल्थ को लूज नहीं कर सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रेशर बनाना शुरू किया, पहली बात ये समझे। दूसरी बात, अमेरिका को आजादी 1783 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला, पेरिस की संधि के साथ। अच्छा ये बताओ, 1783 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला तो हाथों हाथ दो तीन साल के कार्यों से मिल गया होगा, और उसकी भूमिका बहुत पहले से उन्होंने बनाना शुरू की होगी। कोई भी चीज रातों रात तो होती नहीं है, भूमिका बहुत पहले से बनती है। तो 1750 से ही अमेरिका ने अपने इंडिपेंडेंस की भूमिका बनाना शुरू की। ये वो टाइम है जब प्रेशर आ रहा है, आप वेल्थ लूज नहीं कर सकते हो। यही वो टाइम है जब ब्रिटेन किसको लूज कर रहा है? अमेरिका को लूज कर रहा है। अब अमेरिका मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर, काय का सप्लायर? कॉटन का सप्लायर। तो अब अमेरिका को हमने लूज कर दिया है, ब्रिटेन का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। शुरू के 150 साल ब्रिटेन का ड्रेन ऑफ वेल्थ चला, तो ब्रिटेन का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो फिर ये तो बड़ी समस्या है। अमेरिका को लूज हो रहा है, ब्रिटेन से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो क्या करें? अपनी पॉलिसीज चेंज करें। और तभी मुगल काल का जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इसी पीरियड में तीन चीजें चल रही थी, अमेरिका का लॉस्ट होना, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इंडिया में होना, ब्रिटेन की वेल्थ लूज होना, तीसरी चीज पॉलिटिकल वैक्यूम इन इंडिया, राजनीतिक शून्य की स्थिति थी भारत में। मुगल चले गए थे, शिवाजी थे ही नहीं। तो इस समय भारत में और अंग्रेजों ने अलग अलग युद्ध लड़के साउथ में, आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कल के या परसों में लेक्चर में। उनसे अपनी शक्ति को मजबूत कर ही लिया था लगभग 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो जैसे ही भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति बनी, जैसे प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, वैसे भारत में अब उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू करी। हम बाद में पढ़ेंगे भी प्लासी और बक्सर की युद्ध, जिससे भारत में अब क्या होना शुरू हुआ उसको देखो। अब ब्रिटेन और इंडिया में क्या चल रहा है देखते हैं सर। अब ब्रिटेन से इंडिया से ब्रिटेन जाते हैं रॉ मटेरियल्स, क्यों जाते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका कि नहीं ब्रिटेन में? इसलिए मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझाया था कि ब्रिटेन से अब इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स कच्चा माल जाएगा। और ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका, क्यों? स्नैचिंग। काय की स्नैचिंग? जमीन की। कौन करते थे? बिग लैंडलॉर्ड्स। क्यों करते थे? इंक्लोजर कानून आ गए, ये पढ़ लिया हमने। तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में देना है। क्यों देना है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुका, औद्योगिक क्रांति आ चुकी तो केवल एम्प्लॉयमेंट दिया, कच्चा माल चाहिए। बिल्कुल सर, कच्चा माल चाहिए, ब्रिटेन में प्रोडक्शन ही नहीं कच्चे माल का। कहां से लो? अमेरिका चली गई, इंडिया से लो रॉ मटेरियल्स। क्यों लो? इंडिया क्यों देगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई इंडिया पे। क्यों आ गई? क्योंकि बक्सर और प्लासी के युद्ध। तो ये सारी चीजें होने के कारण ये सारी चीजें हुई, और बदले में इंडिया ब्रिटेन से इंडिया में जा रहे हैं फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है? इस समय इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत शानदार थी, हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे, ब्रिटेन लेता था, इंडियंस लेते थे, तो इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? अब जैसे ही ये होना शुरू हुआ, इसके कारण क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगा। रॉ मटेरियल लिया जा रहा है तो कच्चा माल बचा ही नहीं, तो इंडिया में क्या प्रोडक्शन होगा? और रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, तो क्या करो?
इंडियन के फार्मर्स को बुलाओ। क्यों बुलाओ? अब आप ऐसा करो, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, आप ऐसा करो भारत के किसानों की कैश क्रॉप उगाओ, नकदी फसलें उगाओ, ना कि फूड क्रॉप्स। नकदी फसलें क्या है? दाल है, चीनी है, या फिर नील है, कपास है। नील कपास ही है, तो नकदी फसलें उगाओ, फूड क्रॉप्स मत उगाओ। फूड क्रॉप्स क्यों मत उगाओ? क्योंकि अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका, हमको रॉ मटेरियल चाहिए, वो आप ही दोगे। तो ये हुआ, इसी को बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बोला जाता है इसको? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ। अब आप सीधा सा इंपैक्ट देखो ना, कृषि के व्यवसायीकरण से दो चीजें हुई। एक तो इंडिया में जबरदस्त अकाल पड़े, उसका कारण यह था। दूसरी चीज, भारत में रॉ मटेरियल बन रहा है, तो अब क्या हो गया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, और हम जो चीज एक्सपोर्ट करते थे हम इंपोर्टर बन गए, और आज तक स्थिति वही है। तो बड़े खराब काम इंग्लैंड करके गया है भारत में। चलो देखते हैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं। इंडिया अब रॉ मटेरियल जा रहे हैं, ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं, जबरदस्ती भारत को फोर्स किया जा रहा है कि आप तो हमारे गुड्स को कंज्यूम करो। और आपको पता है कि जब जब हम विदेश की वस्तुओं को कंज्यूम करने की बात करते हैं, तब तब विदेश का भारत पर कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस तो आएगा ही। ये हुआ, इतना क्लियर है? 1857 से लेके 1947 तक क्राउन ने भारत को रूल किया, और भारत में उस समय क्या थे? नेशनलिस्ट थे कि नहीं? इनके बीच में जो भी हुआ उसको कहा जाता है फ्रीडम स्ट्रगल। ये है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का स्नैपशॉट। इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर है ये चीज? अब एक मिनट, जरा 20 मिनट पीछे चलते हैं क्लास के। कॉलोनी की डेफिनेशन लिखी थी या नहीं? व्हाट इज ए कॉलोनी? जब कोई भी कंट्री, जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के द्वारा इस तरीके से शासित की जाती है कि जो कंट्रोल कर रहा है उसके पूरे हित पूर्ण हो पाए। तो ब्रिटेन की जो न्यू कैम्ब्रिज और ओल्ड कैम्ब्रिज स्कूल है, उनमें तो आग लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए नहीं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन, और सबसे बड़ी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, 1773 में ब्रिटेन पहला देश था जिसने स्लेवरी को अबोलिश किया था। मतलब दास प्रथा का लिटरली कानूनी रूप से अंत करने वाला, स्लेवरी का अबोलिश करने वाला कौन था? ब्रिटेन। और तभी से भारत में उसने वो चालू। तो ब्रिटेन ने जो किया है कभी वो तो किया ही नहीं है। तो यूरोपियन क्राइसिस जो आया है, ब्रिटेन ने जो बीज बोए थे अब वही काट रहा है ब्रिटेन। ओके, यूरोप ने जो बीज बोए थे। और आज टुडे इज द डेट व्हेन वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी, वी हैव द ऑन द कोर्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर ऑन द कोर्स टू टॉप द चार्ट्स एंड वी विल ओवरटेक चाइना बाय 2022। वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी एंड वी आर मूविंग अहेड व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टेकिंग ए बीटिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी आर डूइंग क्वाइट वेल। तो ब्रिटेन इंडिया का ये इस तरीके से चला। रॉ मटेरियल्स आए, वेरी गुड, फिनिश्ड गुड्स गए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पूरा का पूरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो भी किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन के हाथ में आ गया। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है 1764 बक्सर के युद्ध का होना, क्योंकि पूरा का पूरा किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन के हाथ में। आर दीज थिंग क्लियर? चल, अब ये बिल्कुल करेक्ट समय अलग अलग कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करने का। अब कैपिटलिज्म के तीन प्रकार पड़ते हैं। पहला कौन सा है? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। सेकंड कौन सा है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। और तीसरा कौन सा है? वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। आप मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कौन से पीरियड में भारत में रहा होगा? 1606 to 1757। क्यों? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में क्या होता था?
किसके फेवर में था कैपिटलिज्म? इंडिया के फेवर में, इंडिया से गुड्स जाते थे। अच्छा एक और चीज बताता हूँ आपको, ब्रिटेन ने भारत में किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी, इसको डिस्कस करने से पहले, कि इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल गया, ब्रिटेन से इंडिया फिनिश्ड गुड्स गए, तो लोकल इंडस्ट्री की डिमांड खत्म हुई। इन्होंने क्या करा ब्रिटेन ने, 1757 से जब से इन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया, उसकी पूरी समरी मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं उससे। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी अपनाई? अच्छा मुझे ये बताओ, पहले एक सिंपल से आंसर का क्वेश्चन का आंसर दो, आप बताओ अगर व्यापार हो, सरकार क्या चाहेगी, बिजनेस कम हो या ज्यादा हो? कोई भी सरकार, ज्यादा हो, वी आर क्लियर अबाउट दैट, कोई भी सरकार ये चाहेगी बिजनेस ज्यादा, कोई भी सरकार क्या चाहेगी, बिजनेस करना टफ हो या आसान हो? आसान हो, आसान होगा बिजनेस करना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो पीसीआई बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, पूरा एक वो इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेटेड हुआ है। ओके तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी बिजनेस होने के लिए बैरियर्स कम हो या ज्यादा हो? कम हो। अभी की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि बैरियर्स कम से कम हो ताकि ईज इन डूइंग बिजनेस हो पाए, बैरियर्स कम, ईज इन डूइंग बिजनेस ज्यादा। अब बैरियर्स कम हो ताकि बिजनेस बढ़िया, तो बैरियर्स किस तरह से थे ब्रिटेन के इंडिया में जरा देखो। अच्छा ईज इन डूइंग बिजनेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसा करो इंडिया से ब्रिटेन जितना भी कच्चा माल आता है उसमें कोई ड्यूटी मत लगाओ, ना तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ, क्लियर है, फ्री ट्रेड कर दो उसको, कोई भी बैरियर कोई भी दिक्कत ही नहीं आना चाहिए इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल जाने के लिए। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। ये किसके फेवर में? ब्रिटेन के फेवर में। अच्छा फ्री ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस ज्यादा हो, इज इन डूइंग बिजनेस, ब्रिटेन से जितना भी माल इंडिया आता है उस पे भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना हो, क्यों ना हो, फ्री ट्रेड होना चाहिए ना, इज इन डूइंग बिजनेस होना चाहिए ना, फ्री ट्रेड होगी कोई दिक्कत नहीं है, मुक्त व्यापार होगा, आने दो। लेकिन इंडिया से जितना भी गुड्स ब्रिटेन में जाते हैं उन पे हाई ड्यूटी लगाते हैं। आ गया समझ में? ब्रिटेन से इंडिया में गुड्स आए तो उस पे ड्यूटी है, उस पे ड्यूटी नहीं है। इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल गया तो ड्यूटी नहीं है। इंडिया से ब्रिटेन अगर कोई वस्तु जाती है तो ड्यूटी है, क्यों? ताकि ब्रिटेन में डिमांड खत्म हो जाए उसकी, इंडियन गुड्स जाए ना उस पे। ये कुछ पॉलिसीज उन्होंने अपनाई। तो आई होप वो उन बातों का खंडन कर पा रहे हैं जिनको मैंने बोला था कि शुरुआत में हम ब्रिटेन की सारी बातों का खंडन करने बैठे। सो लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। 1606 से लेकर 1757 तक भारत में वणिकवाद पूंजीवाद चला, ये आप समझ चुके हो, मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। अब आता हूं मैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। औद्योगिक क्रांति आई, डिस्कवरीज हुई, इंक्लोजर कानून आए, कॉलोनाइजेशन आया, कैपिटलिज्म आया, इस चरण को क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद, रॉ मटेरियल लो इंडिया से और गुड्स। मतलब इंडिया को ब्रिटेन ने इस तरीके से डेवलप किया कि वो एक रॉ मटेरियल सप्लायर भी है और ब्रिटेन का फिनिश्ड गुड्स का एक इंपोर्टर है। इस तरीके से इंडिया को डेवलप किया गया था। व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, सुन लो आप, व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव, होल स्टोरी अभी तक की पूरी 2 मिनट में, व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया इन 1606 दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, दे परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया इंडियंस एंड इन रिटर्न इंडियंस गॉट बुलियन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई। 1750s वॉज द टाइम वेन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न सोसाइटी एंड इट वॉज द सेम टाइम वेन ब्रिटेन स्टार्टेड लूजिंग इट्स हेल्ड ओवर अमेरिका। इट वॉज द सेम टाइम वेन ब्रिटेन वॉज लूजिंग वेल्थ और वो ही समय था जब फ्रांस और स्पेन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? So after 1750s, traders become rulers, व्यापारी अब शासक बन गए।
Now they didn't want to trade with India. They developed India in such a way that it could serve all the Britishers' means. उन्होंने भारत को इस तरीके से विकसित किया कि पूरे ब्रिटिश सुनिश्चित हो पाए, हित सुनिश्चित हो पाए. ओके, बाय एवरी मीन दे टोल्ड इंडियंस दैट यू आर इंफीरियर रेस. और इतना भी कहा है एक व्यक्ति ने तो, आयरलैंड इंडिया दीज आर बारबेरियन नेशंस, मतलब ये तो असभ्य नेशंस है. और ब्रिटेन को भगवान ने आशीर्वाद देके धरती पे भेजा है कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप सभ्य देशों को सभ्य बनाओ. कहां है वो आदमी? कहां है वो आदमी कि ब्रिटेन को भारत को असभ्य बनाने के लिए भगवान ने आशीर्वाद देके भेजा? क्या क्या थ्योरी है. तो when the Britishers arrived in India, they wanted to trade with India, but from the 1750s, they wanted to rule over India. Okay? They were very much concerned about justifying their rule in India. Okay? So, Indian history was written or reproduced in such a way that all the negative things came out of it. History was written by Britishers officials only. History was written from an angle that it can be conducive for British rule in India. इस तरीके से लिखी गई थी कि British rule conducive nature में हो पाए और British administrators द्वारा लिखी गई थी. So history was written from an angle that it could serve the Britisher mean. बाद में जब दादा भाई नेहरू जी आए, जब R.C. दत्त आए, इन्होंने अपनी theories दी, तो Indian intellectual mind started thinking what is happening in India. They got an idea. When दादा भाई नेहरू जी ने आरसी दत्त, जिसको डिनाई कर दिया था सर सैयद अहमद खान ने, ये यूपीएससी में आ चुका है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने ओबे नहीं किया था? सर सैयद अहमद खान ने. ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसको ब्रिटेन ने होम चार्जेस बोला था. बाद में जब ये लोग आए, इन्होंने लिखना शुरू किया, किताबें छापना शुरू किया, हाउ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स्ड एंड हाउ ब्रिटिशर्स आर यूजिंग इंडिया फॉर देयर ओन मींस एंड हाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस and how India became a net export importer from a जो कि पहले एक net exporter था. ये सारी चीजें हुई कैसे? Then Indian intellectual started thinking. और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1905 में बंगाल का विभाजन जैसे ही हुआ, स्वदेशी आंदोलन जैसे ही चालू हुआ, under the स्वदेशी banner different people started thinking about the drain of wealth and they started looking into the India's past in a much more glorified manner. ये हिस्ट्री रही है इंडिया की, स्वदेशी ये उसका हो रहा है. क्लियर है? आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी अपने मेन एजेंडे से भटके ना, इसलिए इस पे दोबारा आते हैं. ओके, इनको आइडिया देने वाले कौन थे उसको डिस्कस कर लो. आरसी दत्त और दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने इंडिया को आइडिया दिया. इनको किसने आइडिया दिया? जो मेन प्रिंसिपल विचारधारा थी वो किसने दी थी? वो विचारधारा देने वाले थे सबसे पहले कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स आवर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेंशनड दैट, सेड दैट, उन्होंने ये कहा कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, भारत में जो भी हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे थे? सिपाही म्यूटिनी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत में जो सैन्य विद्रोह या 1857 की महान क्रांति हुई थी उसके बारे में बोल रहे थे कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, द 1857 रिवोल्ट इज नॉट लिमिटेड टू द सिपाहीज ओनली, ये केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं है. उनके अनुसार ब्रिटेन भारत में कुछ ऐसी पॉलिसीज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं जिसके कारण यह विद्रोह हुआ है. ब्रिटेन कुछ ना कुछ भारत में गलत तो कर रहे हैं जिसके कारण यह विद्रोह हुआ. यह आइडिया मिला आरसी दत्त और दादाभाई नेहरू. देन दे स्टार्टेड थिंकिंग, देन दे स्टार्टेड राइटिंग. और इसी से फिर, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, 1857 से लेके 1895 के आसपास तक इंडिया कुछ सोचने की कंडीशन में ही था नेशनलिज्म के बारे में, अपने पास्ट को देखने के बारे में. क्यों नहीं था? अभी तो डिबेटल ऑफ 1857 हुआ है, अभी तो उससे छुटकारा मिला है. तो सोचने की कंडीशन में हम लेट 19th सेंचुरी में आना की शुरू हुए जब ये किताबें आई. इन्होंने मेन प्रेरणा दी, इंडियंस स्टार्टेड थिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस. और ये पीरियड कौन सा था? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है मॉडर्न हिस्ट्री का. आगे हम और देखेंगे. अभी आर वी क्लियर अबाउट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म?
क्लियर है? ईस्ट इंडियन डूइंग बिजनेस कैसे करी इंग्लैंड ने? अच्छा, इस पे दोबारा, अब जो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इंडिया में हो रही थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से, इंडिया की जो वेल्थ थी वो ड्रेन ऑफ वेल्थ ब्रिटेन में हुई। अब अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ किसके पास हो गई? ब्रिटेन के पास। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म औद्योगिक पूंजीवाद की वजह से इंग्लैंड के पास जबरदस्त मात्रा में धन संग्रह हो गया। अब जैसे ही धन संग्रह हुआ, क्या करूं? इंग्लैंड सोच रहा है क्या करें? सर कुछ परसेंट सेव कर लो, कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर दो और कुछ परसेंट खर्च कर दो। ये तीन चीजें हैं, तीन तरीके से आप खर्च कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, खर्च करें, इन्वेस्ट करें। कहां करें खर्च? सर कुछ इंग्लैंड में कर लो, कुछ इंडिया में कर लो। क्यों इंडिया में क्यों करें? अरे सर इंडिया में करोगे तभी तो प्रोसेस फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगा तभी तो गुड्स रॉ मटेरियल यहां पे जल्दी हो पाएगा, प्रोसेस फास्ट होगा तभी तो आर्मी का मोबिलाइजेशन जल्दी हो पाएगा। अभी अभी आपने 1857 का रिवोल्ट करा है, भूल गए क्या? बिल्कुल सही कह रहा है यार, तुझे तो नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। ऐसा करते इंडिया का जो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ब्रिटेन में हुआ है उसको आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आफ्टर 1858 स्टार्टेड द फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इसीलिए अब क्या शुरू हुआ? वित्तीय पूंजीवाद, जो कब से शुरू हुआ? 1858, जिसके अंतर्गत भारत में मॉडर्न रेलवे, टेलीग्राफ सुविधाएं बनाए वगैरह बनाई गई। अब आप मुझे बताओ उसका कारण क्या था? उसका कारण था प्रोसेस फास्ट हो, उसका कारण था आर्मी का मोबिलाइजेशन जल्दी हो। और सुनो, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो ब्रिटेन में हुई है, जब वो वेल्थ इंडिया में आ रही है तो क्या इंडिया को वापस नहीं देना? क्या वापस तो देना ही है ना, और वापस देने के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। वो इंटरेस्ट ही इतना होता था, अकेले उस इंटरेस्ट से ही चाहते तो हम मॉडर्न रेलवे बन जाते। अगर अकेले उस इंटरेस्ट से ही चाहते तो मॉडर्न रेलवे बन जाते। तो ब्रिटेन लिटरली लूटेड इंडिया इन एवरी मीन्स। ओके, अगेन हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ और इंडिया में फूड का, फूड क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन। अपन जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं क्लास के अंत में, पूरे इवेंट्स आपको ऐसे के ऐसे याद रहे जैसे मैंने बताए। लास्ट में अपन क्लास के अंत में एक टाइमलाइन बनाएंगे, उस टाइमलाइन में सब कवर कर देंगे, एक एक विचारधारा कवर कर देंगे। ओके, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से कमर्शियलाइजेशन हुआ। अब दोस्तों हुआ ये कि इंडिया के एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होने लगे, सॉरी इंडस्ट्रीज वाले लोग कहां शिफ्ट होने लगे। अब ये इंडस्ट्रीज कहां से आई? सर मैंने आपको बताया भयंकर एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, इंडिया के गुड्स जा नहीं पा रहे ब्रिटेन में, ब्रिटेन के गुड्स इंडिया आ रहे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स हुई। तो अब इंडस्ट्री सेक्टर कहां जाएगा? और एग्रीकल्चर में भी क्या उगा रहे? ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमको विरासत में देके कौन गए? ब्रिटिशर्स देखे। नहीं तो हम तो इंडस्ट्री सेक्टर में हमेशा से ही अच्छे थे, जब तक ब्रिटेन नहीं आए थे हमारी सबसे अच्छी। और ये बहुत सारे सोर्सेस में, जिसमें से एक सोर्स खुद सर एंगस मेडिसिन का है, हमारी वेबसाइट पे इसका एक लिंक है, ये यूट्यूब के वीडियो के नीचे में इसका लिंक कर दूंगा और आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं, एक एक चीज लिखी हुई है इसमें कि 1757 से पहले केवल 100 जमींदार से कम थे इंडिया में, और जब ब्रिटेन गया तब 1.5 लाख जमींदार थे। ये पूरी रिपोर्ट ये बोलती है। ओके, और यही सोर्सेस में हमको देखने को मिलता है कि 1900 से लेकर 1947 तक 1% से भी कम जीडीपी थी इंडिया की। और सर थॉमस एंगस मेडिसन ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला है कि इंडिया की 23%, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, तो हम रिलायबल सोर्स हैं। और थॉमस एंडिसन वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम, तो सोर्स तो रिलायबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। सो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, अच्छा, लेकिन उस समय भारतीय समझ नहीं पा रहे कहीं कहीं। तो जो लेविस ने लेविसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया 20th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में, वो दादा भाई नारोजी ने और आरसी दत्त ने मिलके 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब वो क्या है वो हम देखेंगे, क्लियर है? उसके पहले
जरा हम 1757 के प्लासी के युद्ध की 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दैट वाज द इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है जिसके कारण 1757 के प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, सिराज उद्दौला बंगाल, वेरी गुड। क्यों हुआ प्लासी का युद्ध? अरे कंट्रोल करना है इंडिया पे। क्यों कंट्रोल करना है? अरे अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इंडिया में हो रहा है, भारत का धन वहां पे जा रहा है, तो कंट्रोल करो। अमेरिका लूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कौन देगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका, कॉलोनी बनाओ। ठीक है सर, बना लेते हैं। सिराज उद्दौला और उसका एक सिपाही था जिसका नाम था मीर जाफर। दरअसल रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए मीर जाफर को अपनी साइड में मिला लिया। बहुत बढ़िया, मिला लिया मीर जाफर को, मिला लिया सिराज उद्दौला। अच्छा, हिस्ट्री की अगर पास्ट में जाए, मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल के आखिरी दिनों में सेनापति की शक्ति हस्तांतरित होके, राजा की सैन्य शक्तियां हस्तांतरित होके सेनापति में जाने लगी थी। मतलब द पावर्स, द मिलिट्री पावर्स ऑफ द किंग वर ट्रांसफर्ड टू द सेनापति ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मतलब कुल मिला के आक्रमण, अब ये कौन बोलेगा, सेनापति या राजा? सेनापति। तो किसको मिलाओ अपनी साइड? राजा मान नहीं रहो, कौन मिलाओ? सेनापति को मिला। तो मीर जाफर को मिला लिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, वेरी गुड। और युद्ध में उन्होंने उनका साथ दिया। अब सलमान खान की मूवी तो है नहीं, एक तरफ राजा अकेला, उसके दो यार, और एक तरफ 50,000 की सेना, जो एक फूंक मारती पूरे 50,000 लोग उड़ जाएगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, पिट गए बेचारे, मर गए, और क्या होगा। तो 1757 में हो गया। अब राजा किसको बना दिया गया? कठपुतली राजा मीर कासिम को। मीर कासिम ने अंग्रेजों की नहीं सुनी, कुछ समय तक सुनी, नहीं सुनी। फिर मीर जाफर को बना दिया गया, फिर मीर कासिम को बनाया 1760 में। मीर कासिम और ही नहीं डटा, और भी बड़ा वाला, उसने बिल्कुल ही नहीं सुनी। मीर कासिम ने दोस्तों से मदद लेना चाहिए, कौन कौन थे? शाह आलम द्वितीय दिल्ली के राजा, अवध के राजा, शुजाउद्दौला, सिराज उद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला पहले व्यक्ति, दूसरे शाह आलम द्वितीय, तीसरे मीर कासिम ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में ये तीन शक्तियां जैसे ही पराजित हुई, अब इंग्लैंड की सत्ता स्थापित हो चुकी भारत में, ओके। और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसके अंडर में आ गया? इंग्लैंड के अंडर में आ गया। अब पूरा लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व व्यवस्था ऐसी होती थी कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ओके। इतनी चीज क्लियर है, वेरी गुड। एक बार हम देख लेते हैं किन किन चीजों के बारे में हम क्लियर है। चोलास, आर वी क्लियर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वी हैव क्लियर, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। इकोनॉमी अंडर ब्रिटिशर्स जब से डिस्कस कर दी ने, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ब्रिटिशर्स पॉलिसी इन इंडिया, ये राइट टाइम है क्वेश्चन लिखने के लिए, ओके। एक क्वेश्चन लिखते हैं और डेप्थ में समझते हैं, फिर हम अगली चीजों पे जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए, मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था कि मेंस में इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आए इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। अभी मैं आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड आंसर लिखवाने वाला हूं जो किसी में भी चले, किसी भी आंसर की स्टार्टिंग के लिए आपको यह लिखना है जो मैं लिखा रहा हूं। व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों की चर्चा कीजिए। लिखिए, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति वर कंसर्न मोर विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री।
were concerned more with the protection of economic interest of the home country than with the development of Indian economy. हिंदी में आपने क्या लिखा है बताइए, बोलो। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां इस तरह की होती थी जिससे कि ब्रिटिश सरकार के सभी हित सुनिश्चित किए जा सके, जिससे कि ब्रिटिश सरकार के सारे हित सुनिश्चित किए जा सके, ना कि जिससे भारत का विकास हो। देखिए, जिससे कि सारे हित सुनिश्चित किए जा सके ऐसी आर्थिक नीतियां होती थी, और सुनो, सारी प्रशासनिक नीतियां, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज भी ऐसी ही होती थी, समझे? सारी इकोनॉमिक तो ऐसी होती थी ब्रिटेन के हित सुनिश्चित किया जा सके। यही लाइन आपको किसमें चलेगी? एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सच पॉलिसीज ब्रॉट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सच पॉलिसीज ब्रॉट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत परिवर्तन आए। वो परिवर्तन क्या थे, याद है कि नहीं? दैट इज ट्रांसफरिंग द कंट्री इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, अर्थात भारत को पूर्णतः एक कच्चा माल निर्यातक देश के रूप में एंड कंस्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन विकसित किया गया, और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को भारत में आयात किया गया। सबसे पहले हम क्या थे दोस्तों, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, जिसके कारण अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता था। अब हम क्या बन गए? ये स्ट्रक्चरल चेंज हमको किसने दिया? ओके, क्लास का अंत में हम देखेंगे कि व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने इंडिया को कंसोलिडेट करने के लिए क्या चैलेंजेस थे, वी विल सी दैट। अब चार पांच पॉइंट लिखो, क्या क्या किया हुआ है इंडियंस के प्रति ब्रिटेन ने। पहला पॉइंट लिखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रिमेंड बैकवर्ड, कृषि का आधुनिकरण नहीं हो पाया, यस और नो? सेकेंड, लो जीडीपी ग्रोथ। थर्ड, लो नेशनल एमपीसीआई, लो नेशनल इनकम एंड पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय कम हुई, नेशनल इनकम कम हुई, बताया था ना मुगल काल में, याद ही कि नहीं? अगला, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण कम। प्रीलिम्स में इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन आए अभी तक, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्लियर है? ये एक स्टैंडर्ड आंसर है जो सब में चले। ये इंग्लैंड ने किया, ओके? अब हम अपनी दोबारा से आते हैं। हाँ, देखते हैं एक बार पूरा सिनेरियो, देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटेन में 1750s में। Earlier when Britishers arrived in India, they only wanted to trade with India. But after 1750s, they wanted to rule over India. So, Britishers were very much concerned about justifying their rule in India. History of India was written by British officials and administrators in such a way that it do not glorify India's past. Negative things came out of it. They presented India in such a way that it is a underdeveloped country and it is a barbarian country. Because when we say about justifying our rule in any country, जब भी हम बात करते हैं कि हमको दूसरे देश में अपने राज्य को सुनिश्चित करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो, तुम हमसे बड़े हो? हम ऐसे ही करेंगे ना, यू आर नॉट सुपीरियर टू अस, आप हम जितने सुपीरियर नहीं हो।
इट इज क्लियर. लेटर ऑन आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, 1857 का क्रांति हुई, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. दरअसल 1857 की क्रांति का इमीडिएट कॉज बोला जाता है, तत्कालिक कारण बोला जाता है, चर्बी लगे कार्टूस. लेकिन दरअसल इंग्लैंड तो उसकी भूमिका 1757 से ही रच रहा था, 100 साल लग गए क्रांति होने में. 1857 की क्रांति में इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ और ब्रिटेन ने इंडिया में अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया. हालांकि इंग्लैंड ने उसका सफलतापूर्वक दमन कर दिया, लेकिन इंग्लैंड को काफी चेंजेस अपनी पॉलिसीज में करना पड़े. यही वो समय था जब आरसी दत्त और दादा भाई नेहरू जी ने यह बोलना शुरू किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया से, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया से. ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जैसे इंट्रोड्यूस हुई इंडियन इंटेलेक्चुअल माइंड्स के अंदर, उन्होंने सोचा ये बात तो सही है, हमारा इतिहास तो इतना ग्लोरिफाइड रहा है, हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अपने पीक पॉइंट पे थी, तो धन निष्कासन हो रहा है इंडिया से तो, और अभी तक चोलों के समय तक और अभी 1757 तो हमारे पास एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होता था, ब्रिटेन से इंडिया बुलिया रहता था, तो ये सारी चीजें ब्रिटेन की देन है. इस बारे में जैसे इंडियंस ने शुरू किया 1885 में, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेके हालांकि 1905 तक कांग्रेस की कमांड किसके हाथों में रही, मॉडरेट्स. कांग्रेस के तीन गुट्स थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी. मॉडरेट्स थ्री पी फॉर्मूला अपनाते थे, प्रेयर पिटीशन एंड प्रोटेस्ट. प्रेयर प्रार्थना करो मान जाओ, मैं नहीं मानो अरे मान जाओ प्लीज मान जाओ, ये मॉडरेट्स. प्रेयर पिटीशन याचिका, वैसे नहीं मान रहे लेटर के साथ मान जाओ. तीसरा प्रोटेस्ट, विद्रोह कर देंगे, लेटर के साथ भी नहीं मान रहे विद्रोह कर देंगे. ये कौन अपनाते थे, मॉडरेट्स. अब आए कौन 1907 के बाद, दो गुट स्प्लिट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, दीज पीपल व्हाट दे डिड वाज, इन्होंने क्या किया था, दे प्रोवाइडेड. अच्छा, अभी इंग्लैंड सरकार की सबसे बड़ी गलती आपको बता रहा हूं, पूरे इंग्लैंड सरकार की 250 साल में सबसे बड़ी गलती जो कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती है वो बताऊंगा आपको. लाल बाल पाल विन केम, जब ये लोग आए दे प्रोवाइडेड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट विद ए न्यू एंथुजियाज्म एंड करंट. इनके आने से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया करंट और एक नए उत्साह इंट्रोड्यूस हो गया था. एंड लेटर व्हेन द रिवोल्यूशनरीज सच एज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान एंड राजगुरु केम, इन लोगों को ब्रिटेन के इंपीरियल या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के हिसाब से बोला जाता है टेररिस्ट. साम्राज्यवादी दृष्टिकोण इन लोगों को क्या बोलता है, टेररिस्ट. इस समय जितने भी आंदोलन चल रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, स्वदेशी आंदोलन, बॉयकॉट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ अनशन हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी गलती ये करी, दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट द एंटायर एपिसोड ऑफ इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट द एंटायर एपिसोड एज इलीगल रेदर देन प्रोजेक्टिंग सम ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स एज इलीगल. ये गलती करी, क्या कह रहा उन्होंने, पूरा जो एपिसोड है, एंटायर एपिसोड है किसका, फ्रीडम स्ट्रगल का, पूरा ही ब्लेम हो, ये तो पूरा क्रिमिनल ऑफेंस है, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस. क्या क्या बोल रहे हैं वो, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. एक दो थे क्रिमिनल, उनके हिसाब से अगर वहीं तक सीमित रहते तो अपनी शक्ति बढ़ा पाते, लेकिन पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का एपिसोड ही क्रिमिनल ऑफेंस है, हम तो आप पे रूल ही करना चाहते हैं. दीज आर द थिंग्स विद अरविंद केजरीवाल एंड कांग्रेस पार्टी आर डूइंग रॉन्ग, दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द एंटायर नीतीज एंड पॉलिसीज ऑफ बीजेपी एस एंटी पीपल और एंटी पुअर रेदर देन किसी एक ही पॉलिसी, एक ही दो पॉलिसी को करके रहो. दीज आर द थिंग्स
और ये इंडिया की राजनीति में रियलाइज हो जाए बहुत बड़ी बात है। खैर एनीवे जाते हैं उससे, अपने मेन कंसर्न पे आते हैं, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम इन्हीं एजेंडे को कवर करते हैं। तो जब ये चीजें आई, व्हेन आरसी दैट एंड दादा भाई नेहरू जी स्टार्टेड राइटिंग, व्हेन ही गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, व्हेन ही सेड दैट होम चार्जेस ऐसी कोई भी चीज नहीं है, भारत से धन निष्कासन हो रहा है, ब्रिटेन हमको बेवकूफ बना रहा है, व्हेन ही रोट द बुक ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, व्हेन एस्टेब्लिशेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो स्वदेशी बैनर के अंतर्गत विचारधारा नेशनलिज्म की प्रभावित हुई, उसके बाद गांधी जी के आते ही जो अल्ली तीन कैंपेन उन्होंने जीते, ये पूरा एक एपिसोड चला था फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिस्ट मूवमेंट का। क्लियर? वेरी गुड। आप जरा इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था मेन हमारा इकोनॉमिक्स भी रहेगा, बाकी हम सारी चीजों को अलग अलग लेक्चर में एक एक लेक्चर में कंडक्ट करेंगे, जैसे एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो फ्रांस वार, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, ये पूरा एक अलग लेक्चर होगा, 1857 रिवॉल्ट पूरा अलग अलग लेक्चर होगा। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाए और सोच पाए कि हमें अगले दिनों में किस तरीके से करना है। रिवॉल्ट इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं लेविसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर इज वन एग्रीकल्चर सेक्टर, एक कृषि क्षेत्र होगा, देयर इज गोइंग टू बी वन इंडस्ट्री सेक्टर एंड देयर इज गोइंग टू बी वन सर्विस सेक्टर। सबसे पहले अगर देखें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इंडिया का यह क्षेत्र मजबूत था कि नहीं, हमने देखा 1757 तो था ही ना। अब साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या बोलता है कि भारत में कभी तो ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाने नहीं चाहा या भारत पर शासन करने, हां भारत में विदेशी शासन तो था लेकिन भारत इंग्लैंड का उपनिवेशवाद नहीं था। ओके, फॉरेन रूल इन इंडिया वाज देयर, बट इस बात को आप नहीं बोल सकते हो कि भारत में भारत को इंग्लैंड ने उपनिवेशवाद बनाया और भारत की सेवा करी। इसको टेक्निकल टर्म्स में कैसे खंडन किया गया है ये देखिए। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया का डेवलपमेंट करना चाहते तो लेविसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है कि सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर व्यवस्था होनी चाहिए कोई भी देश, फिर क्या बनता है इंडस्ट्री, और फिर क्या बनता है सर्विसेस। देखो दरअसल ये तीन वही चेंजेस हैं, मैंने बताया था विश्व में हुए सबसे बड़े तीन चेंजेस क्या है, पहला एग्रीकल्चर, सेकंड क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड क्या है ग्लोबल ट्रेड मीन सर्विसेस। तो पहले कोई भी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी, फिर वो इंडस्ट्री होगी, फिर वो सर्विसेस होगी। चाइना ने ये मॉडल को अपनाया, क्लियर है? क्योंकि जब हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में दिया सकता है। लेबर इंटेंसिव श्रम गहन सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ होता तो हमारा सबसे ज्यादा जो पूरी पॉपुलेशन है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा कायम लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा कम जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, सबसे ज्यादा लोग इसमें और सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेफिनेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो अगर इंग्लैंड भारत को डेवलप करना चाहता तो एग्रीकल्चर से सर्विसेज मतलब रेलवे और टेलीग्राफ्स और भारत में इंश्योरेंस और भारत में बैंकिंग सिस्टम आया था वो करता, या इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाता। भारत में रेलवे आए, भारत में टेलीग्राफ सुविधाएं, अलग अलग चीजें आई भारत में 1858 के बाद जब फाइनेंशियल कैपिटलिज्म शुरू हुआ। अगर इंग्लैंड भारत का अच्छा या भारत को विकसित करना चाहता तो जंप डायरेक्ट इस पे लगती या इस पे लगती पहले फिर इस पे लगती। जब तक इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक एक सीमा तक ही सर्विस सेक्टर ग्रो कर सकता है, और यही हमारी गवर्नमेंट का आज का सबसे बड़ा कंसर्न है कि लेविसियन मॉडल में जिस इंडस्ट्री सेक्टर को हमने स्किप करके डायरेक्ट छलांग लगा दिए सर्विस मॉडल पे, उस पे दोबारा आया जाए। इसलिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और सारी चीजें शुरू की गई है।
क्योंकि लेबर को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में दे सकते हो, और किसी भी गवर्नमेंट की तीन बेसिक प्रायोरिटी द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में सेकंड आ रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट कहां दे पाओगे आप? इसी सेक्टर में दे पाओगे। यही आज हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। ब्रिटेन के ना आने तक हम इस सेक्टर से इस पे छलांग लगाई, ये दोनों एक दूसरे से बढ़िया सामंजस्य बिठाते हुए जा रहे थे, फिर हम यहां पे जंप लगाते। लेकिन वो जो एक स्ट्रक्चरल परिवर्तन आया है, जो कि मैंने आंसर में आपको लिखाया था, वो परिवर्तन ये है जो ब्रिटेन की भारत को दे, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। और ब्रिटेन की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से लोग जाके कहां पे शिफ्ट होने लगे? एग्रीकल्चर। ओवरलोड बर्डन किस पे आ गया? एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ गया। नहीं तो भारत कभी भी ऐसा रहा था ही नहीं, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो। मतलब पूरे भारत का इतिहास अंग्रेजों से आने से पहले एक तरफ है, और अंग्रेजों के आने के बाद एपिसोड पूरा अलग देखने को मिलता है। हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, वी हैव ए प्रूफ ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू सर इंग्लिश मेडिसिन, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, चोलास, बुलियन इन रिटर्न, वी गॉट बुलियन इन रिटर्न, ये सारी चीजें होती थी। तो आई होप इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव हमको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर है, और दादा भाई नेहरूजी और आरसी दत्त वाला एपिसोड भी क्लियर है। अब हम तुरंत आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब काय पे आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले आंसर लिखाया था तो ये बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को भी इस तरीके से इंट्रीगेट किया जाता था कि ब्रिटिशर्स के पूरे मीन्स वो पाए। क्लियर है? सबसे पहले समझते हैं, तीन मुख्य लोगों को समझते हैं, क्योंकि किसी भी देश में आर्थिक नीतियां जो होंगी, या ब्रिटिशर्स वांटेड टू अडॉप्ट ए मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पोजिशन इन इंडिया। भारतीय, भारत में ब्रिटेन क्या चाहता था? एक वर्ड में बताए तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पोजीशन, मतलब एकाधिकार हो। किसका एकाधिकार हो? ब्रिटेन का भारत में एकाधिकार हो। अब ब्रिटेन का भारत में एकाधिकार हो, वो एकाधिकार कैसे हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हो सकता है एकाधिकार। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम केवल तीन लोगों की बात करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, क्यों बात कर रहा हूं इनकी? क्योंकि सबसे पहले कुछ तो इनके हाथ में आया था। क्यों? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इमीडिएटली वॉरेन हेस्टिंग्स का ही नाम आता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड कार्नवालिस, ही इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इनकी बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की। ये तीन लोगों की हम बात करेंगे, इसी में हम हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज देखेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स भी हो इंडिया का आजाद होने के बाद, एक शायद 1955 या 65 में हुआ है, दो बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की मीटिंग्स या कमिटी बैठी है, दो ही है ना, 2005 है, 83 नहीं, 83। ओके ओके, चलिए वो एक इंटायर हम अलग से देख लेंगे। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ये भी देखने की कोशिश करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया उसको समझो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जैसे ही प्रशासन संभाला, 1764 के बाद इंडिया में ग्रिप मजबूत हो गई किसकी? इंग्लैंड। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और मैंने आपको बताई थी एक चीज, बार बार फिर से याद दिला रहा हूं, बक्सर के युद्ध से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटेन के हाथ में चला गया, भू राजस्व व्यवस्था। किसी भी सरकार का सबसे मेन आय का स्रोत लैंड रेवेन्यू होता था, तब तो वो चला गया। तरह तरह के सेटलमेंट्स आए, वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी है भारत में, उसके पास सारी शक्तियों, सारी शक्ति सर जैसे कि बोलिए न्यायिक शक्ति भी हो और भू राजस्व शक्तियां भी हो, जुडिशियल पावर भी उसी के पास हो और प्रशासनिक पावर भी उसके पास हो, सॉरी प्रशासनिक नहीं, रेवेन्यू पावर्स भी उसके पास हो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह बोला, हमको प्रशासनिक चीजों से ज्यादा हस्तक्षेप, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं उसकी डेप्थ बहुत होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, खासकर प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का एग्जाम दरअसल ज्यादातर आइडियोलॉजीज बेस पे कंडक्ट होता है। मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने होम चार्जेस के बारे में पढ़ा है।
होम चार्जेस के बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी में अपीयर हुआ, ओके, और उसको निश्चित रूप में आप गलत कर दोगे, जबकि मैं आपको होम चार्जेस के बारे में बता चुका हूं, निश्चित रूप से आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आएगा होम चार्जेस के बारे में मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोलूं या ब्रिटेन पर्सपेक्टिव से बोलूं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बोल रहा हूं तो डेन ऑफ थ्योरी के वेल्थ की जो थ्योरी है उसके हिसाब से देख के बोलूं या अलग अप्रोच से बोलूं, तो यूपीएससी की जो डेप्थ है उसमें विचारधारा और आइडियोलॉजी की बहुत ज्यादा जगह है, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा, न्यायिक और जो रेवेन्यू पावर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिला अधिकारी के पास होना चाहिए, उसने एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा तो हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना है, अरे प्रशासन के लिए तो रीति रिवाज किसी भी देश के पता होना चाहिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है, कौन सा कल्चर किस चीज को मानता है, कौन सा कल्चर किस कौन सा रिलीजन किस चीज को नहीं मानता है, हमको क्या पता है? तो रीति रिवाज ही पता नहीं है तो प्रशासन कैसे कर पाएंगे, मत लगाओ हाथ इससे। ये एपिसोड खत्म हुआ, अब आया लॉर्ड कार्नवालिस का एपिसोड। लॉर्ड कार्नवालिस के एपिसोड में उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो ये बात देख लो आप, उनका जो एपिसोड था वो अहम बात का एपिसोड था। वो ये बोलते थे जो मॉडल ब्रिटेन में लागू हो सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में लागू हो सकता है, और दरअसल प्रशासनिक सुधार जब तक नहीं होंगे तब तक कैसे कोई भी समाज रीति रिवाजों की जकड़ से मुक्त होगा। ये कौन बोल रहे थे? लॉर्ड कार्नवालिस। तो चेंज करो, क्या चेंज करो? सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करो। सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने शक्ति का पृथक्करण कराया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उन्होंने ये करा। अब क्या होता था, जिला अधिकारी कलेक्टर के पास केवल और केवल भू राजस्व होती थी, लैंड रेवेन्यू वाली, जबकि जज के पास होती थी जुडिशियल। शक्ति का पृथक्करण करा, यस और नो, क्लियर है ये चीज? और सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा। अभी देखो दोबारा से आपको थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं, गलती मत कर देना इन क्वेश्चंस में। इसके पहले तक ये सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी, लेकिन वो अपनी शक्ति का मनचाहा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि अभी ब्रिटेन की कंट्रोल ग्रिप उतनी भी ज्यादा तेज नहीं हुई थी इंडिया पे। अब लॉर्ड कार्नवालिस ने दोनों को अलग कर दिया। 1829 में ये शक्तियां पूरी, इसके साथ जज वाली शक्ति, भू राजस्व शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति और पुलिस वाली शक्ति, ये सब कलेक्टर के हाथ में हो गई। और इतने समय में ब्रिटेन की कंट्रोल भी बन गई इंडिया पे। अब चालू हुआ आर्बिट्री रूल, मनचाही शासन शुरू। क्लियर है या नहीं है? ऐसा करिए आप एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। हेलबरी कॉलेज लंदन ट्रेनिंग दी जा रही है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है। 1829 आर्बिट्रेरी पावर, मनचाही शक्तियां टू कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओके। अब जरा देखो साइड में नीचे लिखो, दो तीन लाइन छोड़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, प्रशासनिक दृष्टिकोण। एक तरफ लिखो वॉरेन हेस्टिंग्स का, दूसरी तरफ लिखो किसका? कार्नवालिस का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन से हाथ लगाया क्या? क्यों नहीं लगाया? रीति रिवाज, लिख लो। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? इसके विपरीत कार्नवालिस ने क्या बोला? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उधर लिख लो कार्नवालिस में। जल्दी से बताओ वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस पे ध्यान दिया?
एडमिनिस्ट्रेशन पे या भू राजस्व पे, लैंड रेवेन्यू पे, लैंड रेवेन्यू पे लिखो, लैंड रेवेन्यू। और इसने कार्नवालिस कोड शुरू करवाया था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कलेक्टर के पास भू राजस्व हो गई और जज के पास जुडिशियल हो गई। और 1829 में क्या हुआ था, ये पूरी दोबारा से किसके पास चली गई थी, जो कार्नवालिस ने, मतलब शक्ति का पृथक्करण जो कार्नवालिस ने करा था वो 1829 में समाप्त हो गया, ये है इसका मतलब। और एक और चीज लिख लो, 1854 में क्या हुआ था बताओ, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, ये कहां से सीखा हमने, चाइना, चाइना में पिछले 2000 साल से यही चल रहा था कॉम्पिटिशन एग्जाम की उससे। तो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक दो लेसन्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इमेजिन करो भारत में अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के थ्रू ही जो मुख्य प्रशासनिक पद है उनकी भर्ती की जाती पिछले 2000 सालों से, तो आज हमारा इतिहास कैसे होता। एनसीईआरटी में ये बेसिक क्वेश्चन 6th या 7th की एनसीईआरटी में ही आ चुका है। तो क्लियर है हम इसके बारे में। तो एक बार और बता दो, प्रशासनिक चीजें किस तरह से थी, क्या हो पाए, इंडिया पे कंट्रोल हो पाए। अब आ जाओ लॉर्ड वेलेसली, लिखेंगे ज्यादा इनके बारे में, शुरू करते हैं। क्या लाए ये, किस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, जल्दी बोलो, लॉर्ड वेलेसली, बताओ, सब्सिडी लाइन्स आया था ना, कौन लाया था सब्सिडी लाइन्स, लॉर्ड वेलेसली लाए थे या डक्टाइन ऑफ लेप्स कौन लाया था बताइए, डलोजी तो नहीं लाए थे कहीं सब्सिडी लाइन्स, क्या होता था इसमें समझो, सब्सिडी अलाइंस में इन द बिगनिंग ऑफ अवर क्लास मैंने आपसे एक चीज बोली थी, मेथड्स एम्प्लॉयड बाय ब्रिटेन टू कंट्रोल इंडिया, क्या क्या मेथड्स ब्रिटेन ने इंडिया में लाए ताकि कंट्रोल हो पाए। पहला क्या हुआ, सिक्योरिंग लैंड रेवेन्यूज, ये अलग से लिखो अगले पेज पे, मेथड्स एम्प्लॉयड बाय ब्रिटेन टू कंट्रोल इंडिया, पहला लिखो क्या, सिक्योरिंग रेवेन्यूज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1764। सेकंड लिखो परमानेंट सेटलमेंट, 1793। थर्ड लिखो सेक्योरिंग जमींदार लॉयलिटी, सेक्योरिंग जमींदार लॉयलिटी, जमींदार को अपना वफादार बनाना। अगला लिखो इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ पब्लिक, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो चौथा पॉइंट है ना कि प्रिंसली स्टेट के निजी मामलों में हस्तक्षेप करना, यही क्या है, सब्सिडी अलायंस है। इन मेथड्स के जरिए ही इंग्लैंड ने भारत पे कंट्रोल किया। तो ये चौथा वाला हम पढ़ने वाले हैं कि ये इंग्लैंड के दृष्टिकोण से किस तरीके से महत्वपूर्ण था। और एक और लिख लो डिवाइड एंड रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति में भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने क्रांति लड़ी। इस 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देख के अंग्रेज बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, इसलिए उनको यह समझ में आ गया था कि जब तक भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी तब तक हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो 1905 में बंगाल का विभाजन, जो कि ब्रिटेन ने यह कहा था कि भारत में बंगाल बड़ा क्षेत्र है और यहां पे प्रशासन करने में मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मैं बंगाल को बांटना चाहता हूं, वो प्रशासन की दृष्टिकोण से ना होते हुए, दरअसल 1857 की क्रांति में जो पाठ पढ़ा था ब्रिटेन ने भारत से, हिंदू मुस्लिम एकता अगर हुई साथ में तो यह हो सकता है, इसीलिए 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता को डिवाइड करने के लिए।
यही एक कारण था बस। अगर 1857 की क्रांति में हमें विजय मिल जाती तो हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन नहीं होता, 1905 में बंगाल का विभाजन होता ही नहीं। बंगाल का विभाजन होता ही नहीं तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बढ़ती ही नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन नहीं होता, बंगाल का विभाजन नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। आज हम पूरे तीनों इंटीग्रेटेड पार्ट होते और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही अलग ही होती है आज, और वर्ल्ड इकोनॉमी भी टोटली चेंज होती आज के प्रोस्पेक्टिव से। टेररिज्म हो सकता है उतने अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता ही, तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी नहीं हुआ। तो वी आर सीइंग डिवाइड एंड रूल। एक और बात बोलना चाहूँगा, 20th century की बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स ने भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? सेंसस। अगली पिछली कब हुई थी? 2011। तो कब हुई होगी पहली? हर 10 साल में होती है, 1881 में ही हुई होगी ना, है ना, 1881। तो 1881 से जब सेंसस करना शुरू किए, 20th century की बिगनिंग ने इंग्लैंड ने बोला, तू कौन सी कैटेगरी में आता है ये बता। किसी से जाके पूछा, तू कौन सी कैटेगरी में आता है? साहब मुझको नहीं पता। तेरी कास्ट क्या है? साहब मुझको नहीं पता। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम सेंसस कर रहे हैं, तुझे तो अपनी कास्ट बतानी पड़ेगी। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तू तो एक एक कास्ट कैटेगरी में आ, बता इनमें से ये पांच है कौन सी में आता है तू। ये हुआ तो जो शोषित वर्ग और वाला वर्ग है उनका एनरोलमेंट इन्होंने किस में कर दिया? दलित वर्ग में कर दिया। ओके, इस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लॉय किया। तो हम सारे बातों को खंडन कर रहे हैं। सब्सिडी अलायंस पे आते हैं। सब्सिडी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को सुनिश्चित कर देती भारत में। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति मजबूत हो जाए, यह है सब्सिडी अलायंस। क्लियर है? एक लाइन में क्या होता था, एक तरफ है कंपनी, एक तरफ है इंडियन स्टेट। क्लियर है? अभी तक ब्रिटेन ने इंडिया की स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करना शुरू नहीं किया था। सब्सिडी अलायंस ने वो बची कची कमी भी पूरी कर दी। क्या होता था, पूरे मैटर्स स्टेट्स के फॉरेन मैटर्स, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह किसके हाथ में आ गई? कंपनी के हाथ में आ गई। इंटरफेयर कौन करने लगा? कंपनी करने लगी। अब स्टेट को कंपनी अपनी एक सैन्य टुकड़ी दे रही है ताकि चेक रख पाए। किस पे? इंडियन स्टेट पे। कौन रख पाए? कंपनी। और स्टेट ब्रिटिश ऑफिस। और एक और चीज हो रही है, ब्रिटेन के लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहली चीज तो ये, उनकी सैलरी कौन दे रहा है? भारतीय राजा। उनकी सैलरी भी कौन दे रहा है? भारतीय राजा ही दे रहा है। चेक भी हो गया, इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप भी हो गया, लोग बाद अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, सारी चीजें हो गई। इससे बढ़िया बात क्यों सकती थी? सब्सिडी अलायंस ने यह किया। समझ में आ गया स्नैपशॉट में? तो इंडिया के राजाओं की सोवरेनिटी खत्म हुई, संप्रभुता खत्म हुई कि नहीं? खत्म। इसके बारे में चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, ओके, फिर हम अलग से पढ़ेंगे, तब ज्यादा लिखेंगे डेप्थ में। एडवांटेजेस टू ब्रिटिश, इसने ब्रिटिश को क्या क्या एडवांटेजेस दिए? पहला लिखो, एम्पायर बिल्डिंग। साम्राज्य विस्तार हुआ नहीं ब्रिटिश का। दूसरा लिखो, एनेबल्ड द कंपनी टू मेंटेन बिग आर्मी इन इंडिया कैश्ड बाय इंडियन किंग्स। एनेबल्ड द कंपनी टू मेंटेन ए बिग आर्मी इन इंडिया कैश्ड बाय इंडियन किंग्स। भारत में ब्रिटिश सेना जो कि भारतीय राजा द्वारा ही, जिसका भारतीय राजा द्वारा भुगतान किया जाता है। अगला, स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन स्टेट्स। क्लियर है? आपको पता है यूपीएससी में ऐसे का ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इन तीसरी पॉइंट को लेके कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत नहीं है। स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडियन स्टेट्स, ओके। अब इन तीनों को, ये तीन पॉइंट आपने लिखे 1, 2, 3, इनको ऐसे करके लिखो, आर्बिट्रेरी पावर, यही तो है ना मनचाही शक्ति। ब्रिटिश
ब्रिटिश रेसिडेंट भी लिख लो, ब्रिटिश रेसिडेंट होगा इंडिया में, सरेंडरिंग ऑफ सॉवरेनिटी भी लिख सकते हो आप, ब्रिटिश रेसिडेंट भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस टू इंडियंस, पहला डिसएडवांटेज लिखो, इंडियन स्टेट्स वर सबऑर्डिनेटेड टू ब्रिटिशर्स, इंडियन स्टेट्स वर सबऑर्डिनेटेड टू ब्रिटिशर्स, भारतीय राज्य अब ब्रिटिश के अधिकार में हो गए, ब्रिटिशर्स नाउ इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मैटर्स पे अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो तीन मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव में हमको चीजों को पढ़ना था, आर वी क्लियर? द फर्स्ट थिंग बीइंग, फर्स्ट पर्सन बीइंग वानन स्टिंग, सेकेंड कार्नवालिस, थर्ड, बहुत बढ़िया। और इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रिटेन का विस्तार किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लास्ट राजा डलहौजी थे जिसके काल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, चोलास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, इकोनॉमी अंडर ब्रिटिशर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज इन इंडिया देख लिया है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ वी वुड हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1857, सब चीज़ें होती नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ये सारी चीज़ हमने देख ली है और आपको समझ में आई गया होगा, फ्रॉम 23% GDP कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेस देन 3%, ये समझ में आई गया होगा। अब बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं हम अपनी टाइमलाइन के द्वारा कवर कर लेते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। पूरी लेक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो ऐसे का ऐसे ही हमको हमेशा याद रहे, उसके लिए टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, इसमें हम बची खुशी सारी चीजों को कवर कर लेंगे। देखिए तो स्टार्टिंग करेंगे कहां से, 9th, 10th, 11th सेंचुरी में, किसकी बात कर रहा हूं, चोलास। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में था, इंडिया, मैरीटाइम रिलेशंस थे और इकोनॉमी बहुत शानदार थी। अगला पॉइंट, 1600 में क्या हुआ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, हालांकि 1498 में आ चुके थे लेकिन मेन चीजें लेना है हमको, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, पूरा कल एक अलग लेक्चर उसके बारे में लेंगे। अब अगला टाइमलाइन का जो बॉक्स है वो है 1600 से 1757, क्या हुआ, स्ट्रगल बिटवीन पावर्स, मतलब पोर्टुगीज आए, फ्रांस आए, स्पेनिश आए, इनके बीच में संघर्ष चला पैरेलली जब ब्रिटेन इंडिया से ट्रेड कर रहा था, सही है। अब आओ इसी बॉक्स को दोबारा बनाओ, 1600 से लेके 1757 तक क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ट्रेड विद इंडिया, ट्रेडेड विद इंडिया, और इंडिया को रिटर्न में क्या मिलता था, बुलियन मिलता था। तो 1600 से लेके 1757 में ब्रिटिशर्स ट्रेडेड विद इंडिया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कहां पे हुई, इंडिया में। एक मिनट रुको, इस बॉक्स के बीच में आप एग्रो बना के लिखो 23% कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स जीडीपी, सही है, 23% कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स जीडीपी। अब 1757 में क्या बड़ा लैंडमार्क हुआ दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी, हम पढ़ चुके हैं इसको, क्या हुआ था इससे वो भी देख चुके हैं। 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, इससे ब्रिटिशर्स को क्या मिल गए, लिख लो यहां पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनके हाथ में आ गया,
अच्छा इसी बीच 1760 में वोंडिवोश का युद्ध हो चुका था, जिससे फ्रांस बाहर हो चुका था, बैटल ऑफ वोंडिवोश लिख लो, फ्रांस बाहर हो गया था। ओके अब क्या हुआ? अच्छा इसमें एक और चीज लिख लीजिए, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया, यहीं पे एक और पॉइंट लिखो, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। सही है ना, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। अब 1764 ऑनवर्ड्स, अगला बॉक्स लिखो 1764 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। अगला लिखो 1750s ऑनवर्ड्स क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेकेंड हेल्ड ओवर अमेरिका, ढीली होने लगी, ये भी पढ़ा हमने, सही है। अब एक क्वेश्चन आया ब्रिटेन के दिमाग में कि ये हो गया तो रॉ मटेरियल कहां से आएंगे, एक्सपोर्ट कहां करेंगे हम फिनिश्ड गुड्स को, और आर्मी कहां से आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडिया। ओके अगला लिखो, अब कौन लोग आए, हेस्टिंग्स और कार्नवालिस और वेलेसली, इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे और रेवेन्यू कलेक्शन और इंडिया की हेल्ड अपने कंट्रोल में बढ़ाई। इससे क्या हो गया दोस्तों, अगले बॉक्स में लिखो, इंडिया बिकेम आ रॉ मटेरियल सप्लायर। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगला लिखो, आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, ये कैसे हुआ, कैश क्रॉप्स, जिसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर डाउन, इंडस्ट्री डाउन, फेमिन्स अप। और यही है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम तुरंत चलते हैं 1857 रिवोल्ट, फिर हम तुरंत चलते हैं आरसी दत्त, दादा भाई नेहरूजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, टाइमलाइन के आगे के भाग आपको खुद ही लिख लेना है। ओके तो हम काफी कुछ, और आज हमारी गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ, लेविसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स हम देख चुके हैं। ओके एक लास्ट पॉइंट लिखो, फिर आपको ब्रीफ हिस्ट्री समझाऊंगा, एक लास्ट पॉइंट लिखिए आप, कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एस ए नेशन, तीन चार पॉइंट लिख लो, अगले पेज पे लिखो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एस ए नेशन। फर्स्ट लिखो क्या क्या हुआ था, मतलब क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या चीजें थी जब भारत को कंसोलिडेट कर रहे थे। पहला यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। सेकंड चीज कॉलोनियल लेगेसी। थर्ड चीज टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय इंटीग्रेशन, ये मेन
और बहुत सारे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयड देयर पॉलिसी. एट द बिगिनिंग ऑफ देयर एडवेंट दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, बट स्लोली व्हेन दे स्टार्टेड लूजिंग देयर हेल्ड एंड ग्रिप ओवर अमेरिका, दे वांटेड टू रूल ओवर इंडिया. ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेड एंड रिप्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन सच ए वे दैट ऑल द नेगेटिव थिंग्स केम आउट ऑफ इट. थैंक्स टू दादाभाई नरोजी एंड आरसी दत्त, हु स्टार्टेड डाउटिंग अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हु प्रूव्ड दैट नो थिंग, कोई भी ऐसी होम चार्ज जैसी चीज नहीं थी. फिनेंशियल कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ. आई होप ये लेक्चर आपको काम आया होगा आपकी ओवरऑल अप्रोच को बढ़ाने के लिए. ये अप्रोच रहना है हमारा मॉडर्निस्ट में, और ये पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स का वो चला था. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.